एरिस्टार्कस ऑफ समोस ने कहा कि गैलेक्सी हीलियोसेंट्रिक है, किसने माना नहीं, जिस गैलेक्सी में हम रह रहे हैं वो। निकोलस कॉपरनिकस ने कहा हीलियोसेंट्रिक है, किसी ने नहीं माना। गैलीलियो गैलीली ने कहा हीलियोसेंट्रिक है, किसी ने नहीं माना। अंत में विलियम हर्शल ने सन 18 सेंचुरी में साबित करके दिखा दिया, फिर लोगों को मानना ही पड़ा। तो सत्य जो है वो सत्य बोलने का अधिकारी कौन है, जो बात कह रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी कितना है, उसका ज्ञान कितना है, इस बात का निश्चय कर लेना चाहिए। जिनकी मैंने पहले सबसे पहले बात की, एरिस्टार्कस ऑफ समोस की, इनका ज्ञान जो है कि एरिस्टोटल से आता है। एरिस्टोटल के गुरु प्लेटो हुए, प्लेटो के गुरु सोक्रेट्स हुए, और सोक्रेट्स को ये ज्ञान जो है सेवन सेजेस ऑफ मेडिवियल रनिसा शायद कहते हैं, सेवन सेजेस से मिलता है। इन सेवन सेजेस में सबसे टॉप पर थेल्स ऑफ मिलेटस आते हैं, सबसे ऊपर थेल्स ऑफ मिलेटस आते हैं। थेल्स ऑफ मिलेटस की सारी प्रसिद्धि इस बात पर है कि उन्होंने एक ग्रहण का ठीक से प्रेडिक्शन किया, जिसकी वजह से दो राजाओं के बीच में युद्ध रुका, और उन्होंने नाविकों को यह बताया कि ग्रेट बियर को उर्सा मेजर को फॉलो मत करो, स्मॉलर बियर उर्सा माइनर को फॉलो करो। उन्होंने साथ में अन्य भी कई चीजों की खोज की, सर्कल का डायमीटर और ट्राइंगल की चीजें, ये सारी। गौरतलब बात यह है कि विज्ञान में, मैथमेटिक्स में आज तक जितनी भी प्रगति हुई है, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं ग्रह नक्षत्रों, तारों से तारों के ऊपर ही शोध रहा है। कोई भी व्यक्ति इस बात को इतिहास पढ़ करके, विज्ञान का इतिहास पढ़ करके ठीक से जान सकता है। लेकिन कलयुग के समय में दुख यह है कि कुछ लोग नाम प्रसिद्धि की चाहत में यूट्यूब पे व्यूअर्स बटोरने के चक्कर में एक तरफा ओपिनियन दिखाते हैं, जिस बात को प्रूव करना चाहते हैं उसको सपोर्ट करते हुए सिर्फ एविडेंसेस दिखाते हैं। पक्ष विपक्ष दोनों का बराबर से चिंतन करके निष्कर्ष पे पहुंचना इनका मतलब होता ही नहीं। इनके हिंदू माँ बाप, हिंदू महात्माओं, संतों पर इनका बहुत अच्छा नाम रख देते हैं, लेकिन ये उस अच्छे नाम को बिल्कुल चरितार्थ ना करते हुए, यतो नाम ततो गुण के विपरीत अपना कालनेमी स्वरूप दिखाते हुए हिंदू शास्त्रों पे, हिंदू ग्रंथों पे अपने अज्ञान से ढके हुए रहते हुए लांछन करते हैं, आक्षेप करते हैं और दुख उत्पन्न करते हैं। जिन थेल्स ऑफ मिलेटस की मैंने बात की, उनका जन्म सीरिया में हुआ था। ऐसी विचारधारा जिन जिन देशों में रही है, जहां जहां पर गई है, जहां पर लोगों ने अपने इतिहास को, अपनी संस्कृति को भुला दिया, उसने अंत में जाकर के उस जगह का विनाश ही किया है। सीरिया जैसे देश इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। एक समय में सबसे बड़े चिंतक, सबसे बड़े विचारक जिस देश में पैदा होते थे, उसकी आज क्या अवस्था है, ये आप खुद ही जानते हैं। आजकल बाबा, साधु, संत, नाम प्रसिद्धि की चाहत पाने वाला कोई भी आदमी जब देखो मुंह उठा करके ज्योतिष के बारे में बुरा भला कह देता है। इनसे पूछा जाए तो इनको ज्योतिष का ज्ञान है ही नहीं, ज्योतिष इन्होंने ठीक से पढ़ी नहीं है, कहीं कहाई सुनी सुनाई बातों के आधार पर ये ज्योतिष को अवैज्ञानिक है, पाखंड है, ये है वो है घोषित कर देते हैं। और आज के समय में लोगों के साथ दिक्कत यह है कि इनको ये नहीं पता कि हम इंटरटेनमेंट कंज्यूम कर रहे हैं कि नॉलेज, कि जो चीज हम देख रहे हैं वो इंटरटेनमेंट है कि जो चीज हम देख रहे हैं वो नॉलेज। अगर इंटरटेनमेंट है तो इंटरटेनमेंट में कोई कुछ भी कहे, वहां पर इंसान नाग का स्वरूप ले, नाग इंसान का स्वरूप ले, कुछ भी करता रहे। लेकिन अगर आप नॉलेज कहीं पर से ले रहे हैं, और ये मैं ज्योतिषियों के बारे में भी बात कहना चाहूंगा, कि चाहे आप ज्योतिष का नॉलेज किसी ज्योतिष चैनल से ही ले रहे हैं, आपको ये पहले पूछना चाहिए कि जो व्यक्ति ज्ञान दे रहा है वो ज्ञान देने का कितना अधिकारी है, उसको खुद से कितना ज्ञान प्राप्त है, प्रॉपर ज्ञान प्राप्त है कि इम्प्रॉपर ज्ञान प्राप्त है, और उसने उस ज्ञान को कितना टेस्ट करके देखा है, जो बात कह रहा है वो हवा में तीर तुक्का मार रहा है या क्या कर रहा है, असल में नॉलेज दे रहा है या सिर्फ नाम प्रसिद्धि की चाहत में इंटरटेनमेंट पर्पस पे वीडियो बना रहा है। इस बात को देखना चाहिए और देख करके ही फिर किसी चीज का विचार करना चाहिए। लोग जो हैं, वीडियो मैंने देखी उसमें बड़ा उदाहरण दिया कि भाई इस हिस्टोरियन ने कह दिया कि ज्योतिषी लोग तो हजार झूठ बोल करके भी एक सच बात कहते हैं और उस सच बात पे उनको प्रसिद्धि हो जाती है, आम इंसान तो एक झूठ बात कहते तो उसका जो है कि जिंदगी खराब हो जाती है, लोग उस पर डिस्ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। भाई ये बात
आम आदमी ये गलत बात कह दे तो लोग उसको डिस्ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं, वो बात तो ठीक है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि ये व्यक्ति हिस्टोरियन है, हिस्टोरियन हिस्ट्री का ज्ञान रखता है, ज्योतिष का ज्ञान नहीं रखता, ये बहुत बेसिक सी बात है, इसको आप समझें। दूसरी बात, ये जो इन्होंने बात कही इनका खुद का ओपिनियन है और उन ज्योतिषियों को लेकर के बनाया गया है जिनसे कि वो मिले थे, व्यक्ति विदेशी हैं, विदेश के ज्योतिषियों से मिले होंगे। इनकी बात को वैदिक ज्योतिषियों पर लगाना ऐसी ही बात है जैसे कि ये कहना कि लंदन में बर्फ पड़ती है तो भारत में ठंड हो जाती है। इसके बाद किसी केमिस्ट्री के नोबल लॉरेट का उदाहरण लेते हैं कि इन्होंने बताया है कि ग्रहों का हम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेरे दोस्त, ये महान परम ज्ञानी ज्योतिष केमिस्ट्री का विषय नहीं, फिजिक्स का विषय है मेरे दोस्त। कम से कम 8वीं 9वीं की ही साइंस की पुस्तक जो आप पढ़ लें तो आपको यह बात ठीक से पता चल जाए। इसके बाद सबसे जरूरी जो यहाँ पर मुख्य मुद्दे का विषय है जिस पर सारी बातें शुरू होती हैं वो ये है कि ज्योतिष साइंस है क्या, हिस्ट्री साइंस है क्या, आर्ट साइंस है क्या, पेंटिंग बनाना ड्राइंग बनाना साइंस है क्या, म्यूजिक साइंस है क्या, हर चीज साइंस क्यों होनी चाहिए। आप एक बात समझिए कि विद्या में भारत में साइंस एक फील्ड है, केमिस्ट्री एक फील्ड है, ह्यूमैनिटीज एक फील्ड है। ह्यूमैनिटीज में जो कुछ भी आता है वो साइंस नहीं है, कॉमर्स में जो चीज भी आता है वो साइंस नहीं है, साइंस में जो आता है पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सिर्फ वही साइंस है। तो आप इस बात पर क्यों तुले पड़े हैं कि ज्योतिष साइंस होना चाहिए। मेरे मित्र, वीडियो देखने वाले सब लोग, ज्योतिष ज्योतिष है, साइंस नहीं है, जैसे हिस्ट्री साइंस नहीं है, पॉलिटिक्स साइंस नहीं है, ज्योतिष भी साइंस नहीं है, इसमें क्या बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले तो ये समझने की बात है। दूसरी बात यह है कि लोग ज्यादातर जब ज्योतिष पर आक्षेप करते हैं तो वेस्टर्न ज्योतिषियों की बात कर रहे होते हैं, वेस्टर्न ज्योतिषियों ने ये कहा, वेस्टर्न ज्योतिषी ये करते हैं, वेस्टर्न ज्योतिषी वो करते हैं। आक्षेप किस पे करते हैं, आक्षेप हिंदू ज्योतिषियों पे कर देते हैं। हिंदू ज्योतिष के बारे में कुछ बोलने से पहले हिंदू ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष जिसको हम लोग कहते हैं, उसको ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कहने वाले लोगों का के एन राव जी ने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ करके अपने पक्ष में तथ्य और सबूत देकर के उस केस को जीता है, ऐसे लोगों का मुंह बंद करा लिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ज्योतिष सही है कि नहीं है इस पे पूरा का पूरा कोर्ट केस है, जिसको के एन राव साहब जीत करके सत्यापित कर चुके हैं कि ज्योतिष साइंस है, जिसका उन्होंने विस्तृत विवरण अपनी पुस्तक में लिखा भी है। पुस्तक का मुझे नाम याद नहीं है, अपनी पुस्तक में लिखा भी है, वो पुस्तक लोग लेकर के पढ़ भी सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब आपके ज्ञान पे अंधकार के बादल छाए हुए होते हैं, जब आप इंसान के रूप में कालनेमी महिषासुर होते हैं, तो होता क्या है कि जो अच्छी जो चीजें हैं वो तो दिखाई पड़ती नहीं होती हैं। हमसे पहले किसने क्या काम किया है उससे तो कोई मतलब है नहीं। अगर ये लोग सच्चे मन से नॉलेज के साथ ट्रूथफुल होते हुए, जनता के साथ तो ये ट्रूथफुल है ही नहीं क्योंकि प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे तो पॉपुलैरिटी कहां से मिलेगी। तो लोगों के साथ तो ट्रूथफुल है नहीं, अपने व्यूअर के साथ तो ट्रूथफुल है नहीं, लेकिन अगर नॉलेज के साथ ही अगर ये ट्रूथफुल होते तो इनको ये बात पता होती कि 2007-2008 में, ईयर मुझे ठीक से याद नहीं है, मैं एक आदमी केएन राव नाम का ऑलरेडी जीत चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, सारे सबूत दे चुका है, बात साबित कर चुका है कि ज्योतिष साइंस है, इसके पहले भी 10 लोग कर चुके हैं। लेकिन इनको तो इस बात से कोई मतलब कहां है, इनको तो सिर्फ अपनी ओपिनियन से, अपनी बात से मतलब है। विदेशी ओपिनियन, विदेशी थॉट ये हो गया है कि भाई एक सन साइन में जन्मे हर व्यक्ति का भविष्य क्या होगा वो बोलने का, जो कि क्लासिकली कहीं पर भी सपोर्टेड नहीं है। तो ये क्लासिकली अनसपोर्टेड बात को अगर कोई व्यक्ति करता हो तो उसके ऊपर हंसना चाहिए और विद्वान लोगों को ऐसी बात को इग्नोर कर देना चाहिए। उसको ऑथेंटिक मान करके विद्या पर लांछन लगाने वाले लोग वैसे ही हैं जो कि आजकल लोग महिलाओं के कपड़े देख करके उनके चरित्र पर लांछन लगाने लग जाते हैं। भाई कपड़े और चरित्र का क्या मतलब है, कोई बताए मुझे। दूसरी बात है कि क्या भविष्यवाणियां सच होती हैं। एक छोटा सा गणित मैं लोगों को जरा समझाना चाहूंगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला थेल्स ऑफ मिलेटस के समय से कि ज्योतिष बहुत पुराने समय से कम बहुत सालों से प्रैक्टिस हो रही है। अगर हम अभी गणना देखें तो साल की गणना 1 BC से शुरू होती है, 2020 में मैं बैठा हूं, 2000 साल तो ये हो गए। कुछ ना माना जाए तो कम से कम ऋग्वेद इत्यादि को 5000 साल पुराना माना जाए। ऋग्वेद इत्यादि में ज्योतिष का डायरेक्ट जिक्र तो नहीं है, हिंट्स के द्वारा जिक्र है, लेकिन जैसे किताब में अपेंडिक्स होती है उसी प्रकार से वेदों का भी अपेंडिक्स है जिनको संहिता कहा जाता है।
वेदों की संहिताओं में, ऋग्वेद संहिता, अथर्ववेद संहिता इत्यादि में ज्योतिष का जिक्र है, कम से कम गणनाओं का जिक्र है, फलादेश का भी हल्का फुल्का जिक्र है ही। इसको अगर हजार साल बाद का भी माने तो 4000 BC मानना चाहिए। तो 4000 BC और 2000 AD, तो 6000 सालों से जो विद्या प्रैक्टिस हो रही है वो विद्या झूठी कैसे हो सकती है? अगर कोई चीज काम नहीं करती, कोई एक प्रोडक्ट है, मशीन है जो काम नहीं करती, सिर्फ ललेबी है, सिर्फ झूठ है, तो वो मशीन भी ज्यादा समय तक नहीं चल सकती। इंसान आपसे पहले जितने भी दुनिया में हुए हैं और आपके साथ दुनिया में जितनी भी 300-400 मिलियन की जनसंख्या एग्जिस्ट कर रही, वो सब मूर्ख हैं, और आप महाज्ञानी महान बुद्धिमान पैदा हुए हैं, ऐसी सोच वालों को हमारा सलाम, हाथ जोड़ के सलाम भाई साहब, हिसाब से मतलब। मुझे एक बात बताओ भाई, सिंपल बात मैं कहता हूं, एक एरिया है, उस एरिया में 300,000 लोग रहते हैं, हर गली गली में ज्योतिष है, उस एरिया में 300 ज्योतिष है, वो लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं, फलादेश लेते हैं, जहां ज्योतिषी उनको पूरा ठग रहा है, फलादेश बिल्कुल भी सत्य नहीं हो रहा, तो इस हिसाब से 300,000 की जनसंख्या है, उसमें से 300 ज्योतिष हैं, सारे लोग 80-80 साल का सबका जीवन मान के मैं चलता हूं, सारे लोग अपनी पत्रिका 5 साल में दिखा लेंगे, उनमें उनको पता चल जाएगा कि जो फलादेश हो रहा है वो सत्य उतर नहीं रहा, ज्योतिष तो ढूंढ गए, तो फिर लोग ज्योतिष के पास जाना बंद कर देंगे। तो इस हिसाब से ये विद्या 5-7 हजार साल से प्रैक्टिस क्यों हो रही है? खत्म हो जानी चाहिए अगर फलादेश नहीं काम करता तो। हमारे पास, क्योंकि देखिए मैं इन सब चीजों से थोड़ा दूर हूं, है ना, अखबार में मैं कुछ करता नहीं, एड वेड में बाकी गुरु बाबाओं की तरह चलाता नहीं, पोस्टर अपने छुपवाता नहीं, मेरे पास जितने भी लोग आते हैं सब रेफरल से हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं वो कौन सा एजुकेशन चूज करेंगे, कब शादी होगी, शादी का मुहूर्त, बच्चा कब पैदा होगा, और अब बच्चे का नामकरण इत्यादि सब मैं कर चुका हूं, इनके फलादेश बार बार सत्य होते हैं तभी बार बार मेरे पास आते हैं। जितनी भी क्लाइंटेल है वो सारी की सारी 80-90% जिसका जो है वो रेफरेंस से आती है, और इसलिए आते हैं क्योंकि फलादेश सत्य होते हैं। तो मैं एज अ प्रैक्टिशनर, जिसको विद्या का ज्ञान भी है, जो प्रैक्टिस करता भी है, वो ये बात आपको ठीक से कह सकता है कि ज्योतिष प्रेडिक्शन सत्य होते हैं। बाकी कोई ऐरा गैरा व्यक्ति जिसको ज्योतिष का जा नहीं पता, जो वेस्टर्न ज्योतिष वैदिक ज्योतिष में फर्क नहीं जानता, शास्त्रों को पढ़ा नहीं है, जिसको ज्योतिष का भी पूरा परिचय नहीं है, वो अगर ये बात कहते कि भाई ज्योतिष के फलादेश सत्य नहीं होते, तो ये वही बात है जैसे थोथा चना बाजे घना। तो ऐसे थोथे चनों की बात पर तो क्या ही कहा जाए, मतलब शब्द ही नहीं सूझ रहे हैं मुझे, तो सलाम जो है कि वो मैं कह सकता हूं, वो सलाम मैं इनको दे दे रहा हूं। दूसरी बात है कि यहां पर एक ये भी उदाहरण निकल करके आया कि भाई लोग मार्च में पैदा होते हैं उनका भविष्य एक जैसा होता है, जो अप्रैल में पैदा होते हैं उनका भविष्य एक जैसा होता है, तो क्या सूर्य अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से कह रहा है कि तुम मार्च में पैदा हुए हो तो मैं तुम पे ज्यादा रोशनी डालूंगा, और नहीं हुए हो तो मैं तुम पे कम रोशनी डालूंगा? इस बारे में बात हो रही है। इस मूर्ख को ये नहीं पता कि मेरे भाई जिसकी तुम बात कर रहे हो उसको वेस्टर्न ज्योतिष और सन साइन कहते हैं, जो कि पूरे ज्योतिष के अथाह सागर का 0.00001% भी होगा नहीं। ये कहते हैं भाई कि कुंडली बनाने के लिए डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ चाहिए होता है, मेरे दोस्त प्लेस ऑफ बर्थ भी चाहिए होता है। ठीक से थोड़ा, ठीक से हल्का सा रिसर्च कर लेते हैं तो पता होता है कि प्लेस ऑफ बर्थ भी चाहिए होता है, जिससे बहुत बातें बदलती हैं। पहली बात। दूसरी बात, आज ज्योतिष में विद्या तो थोड़ी सी लुप्त देखो हुई ही है। लग्न की जो गणना है, जिसको आप जन्म कुंडली के पूर्वी क्षितिज में जो राशि लगी हुई है उसको आप लग्न मान लेते हो, जो कि करेक्ट डेफिनेशन नहीं है, जो कि सिर्फ इक्वेटर पे जो लोग रहते हैं वहां के लिए सही गणना होगी, बाकी लोगों के लिए सही गणना होगी नहीं। 4-5 प्रकार के लग्न होते हैं, कब किसको यूज करना चाहिए, इसका ज्ञान मुझे नहीं लगता कि मेरे अलावा कोई और अपने कोर्सेज में देता है। मैं पराशर सूत्र वगैरह 5-6 कोर्सेज में पढ़ा चुका हूं, मेरे बच्चों को बखूबी पता भी है। अब इतना डीप ज्ञान ना लेकर के सतही लेवल पे ऊपर ऊपर से ज्ञान लेकर के आदमी लोग फलादेश करने लगेंगे, ज्योतिषी लोग फलादेश करने लगेंगे, तो जो होगा वो आज के समय में हो ही रहा है। वीडियो के टॉपिक में मैं वापस आता हूं, ये लोग क्यों समझ लेते हैं कि सन साइन ही पूरी ज्योतिष है? 12 भाव 12 राशि, 19 ग्रह, 19 ग्रह, 16 वर्ग कुंडली, उसके बाद पराशर सिस्टम ऑफ ज्योतिष, जैमिनी सिस्टम ऑफ ज्योतिष, ताजिक सिस्टम ऑफ ज्योतिष, कम से कम 2,500-3,000 योग, 9 ग्रह, 9 बाय 12, 12 राशि,
बाय 12 भाव, बाय 9 नवांश, बाय 10 दशांश, बाय 12 द्वादशांश, बाय 60 षष्ठ्यांश, इसको सबको गणना करके कोई आदमी देख ले कितने रिजल्ट निकल करके आते हैं। कम से कम 500,000 रिजल्ट निकल करके आएंगे। अगर मैं ये कहता हूं कि पूरी दुनिया में 500,000 प्रकार के लोग होते हैं, तो यही कहने का इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग होते हैं उनको 5 नंबर से लेकर के 13 नंबर का जूता फिट आता है, जो कि बात बिल्कुल सही है। इसमें झूठ क्या है मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन पहले तो जान लेना चाहिए, पहले पता करना चाहिए कि जिस वैदिक ज्योतिष पे ये लांछन लगा रहे हैं वो केवल सन साइन पे या केवल मून साइन पे डिपेंडेंट नहीं है, बहुत ही गहन गणना होती है। चंद्रमा के नक्षत्र और नक्षत्र का अंश तो छोड़ो, चंद्र क्रिया, चंद्र वेला, चंद्र अवस्था में 13 डिग्री के एक नक्षत्र को 60-60 हिस्सों में डिवाइड करके फलादेश किया जाता है। लेकिन इन मूर्खों को और जिनकी ये वीडियो देख करके ज्योतिष पे अपना ओपिनियन बता रहे हैं, उन महामूर्खों को इसके बारे में 1 रुपया ज्ञान हो तो पता चले। ज्ञान तो छोड़ो, चंद्र क्रिया, चंद्र अवस्था, चंद्र वेला, किस भूत प्रेत का नाम है इनको ये भी नहीं पता होगा। वेला से तो इनको गाना याद आ जाते होंगे, आज अच्छा वेला है, आज बुरा वेला है, दूसरी वेला इनको क्या पता। इनको वेला बोलूं तो हिंदी का वेला सुनाई पड़ता है, संस्कृत का वेला सुनाई नहीं पड़ता, क्योंकि संस्कृत का स इनको पता नहीं, स से इनको पता है सचिन तेंदुलकर, अच्छा अच्छा खेलता है वैसे, बट जो भी बात है। तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ ये लोग जो अपनी बहुत लंबी जुबान से सुरसा बन के मुंह खोल खोल करके जो सब कुछ गल्प करते जा रहे हैं, इनको थोड़ा सा अपने ऊपर प्रतिबंध रखना चाहिए और प्रॉपर ज्ञान लेकर के, जैसा धीर गंभीर प्रणाली का आदमी बोलता है वैसी बात करें हर पक्ष को रख करके, तो ये ऐसी बात कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि फिर इनको सच पता चल जाएगा। लेकिन सच का सौदा करके जो लोग बैठे हुए हैं, जिनको जिन्होंने ये निश्चय कर लिया है कि मैं सब कुछ देखूंगा सच नहीं देखूंगा, उनका क्या कहना। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि भैया जो ट्विन पैदा होते हैं, क्या उन ट्विन्स का भी भविष्य एक जैसा होता है, क्या वो ट्विन्स भी एक जैसी जिंदगी जीते हैं? नहीं। इसके बाद ये एक रिसर्च की बात करते हैं कि लंदन में एक रिसर्च हुआ, एक ही महीने में एक ही समय में पैदा हुए लोगों का। भाई ट्विन्स वाला रिसर्च बताओ ना, ट्विन्स पे क्या रिसर्च हुआ? ट्विन्स वाला रिसर्च इनके पास नहीं है, एक महीने में पैदा हुए, एक समय में पैदा हुए लोगों का रिसर्च है। उसके बारे में मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं, षष्ठ्यांश लग्न 2 मिनट में बदल जाएगा। तो एक ही समय में पैदा हुए लोगों में D60 का अंतर आने से फलादेश में 4456 प्रकार के फलों का डिफरेंस हो जाएगा जी। सिंपल बात, सिंपल गणित है ये, पता करने के लिए इनको गणित पढ़ना पड़ेगा और उसके लिए जरूरी है कि ये मैथमेटिशियन से फिजिक्स का सवाल ना पूछे, मैथमेटिशियन से मैथमेटिक्स का सवाल पूछे तो इनको ये बात समझ में आएगी। दूसरी बात ये है कि ट्विन हॉरोस्कोप में फलादेश करने की विधि है पूरी, जो मैं अपने YouTube वीडियो में भी 2.5 घंटे लंबे वीडियो में हिंट में बता चुका हूं, कोर्सेज में 2-3 कोर्स में पढ़ा चुका हूं, जिसको मैंने 25-30 ट्विन्स के हॉरोस्कोप पे लगा करके अपने क्लासेस में दिखाया है कितने अच्छे से काम करता है। मेरे बच्चे उसको पढ़ के ट्विन्स के हॉरोस्कोप पे बहुत बढ़िया फलादेश कर रहे हैं, क्योंकि जिस लग्न की मैं बात कर रहा हूं वो 2.5 सेकंड में बदल जाता है। अब 2.5 सेकंड के भीतर अगर 2 बच्चे पैदा हो जाएं, अगर लॉजिक के हिसाब से अगर एक माँ 2 बच्चों को पुश भी कर रही हो तो भी 2.5 सेकंड में 2 बच्चे नहीं पुश कर सकती। तो पूरे साइंटिफिक तौर पे जुड़वा बच्चों का अलग अलग फलादेश निकाला जा सकता है, निकाला जाता है, हमने निकालना सिखाया भी। और सिर्फ यही नहीं, आप ये बोलो कि कोई कह दे कि मैं जुड़वा हूं तभी आप फलादेश कर पाओगे क्या, कोई अगर ना बताए कि मैं जुड़वा हूं तो फलादेश नहीं कर पाओगे क्या? बिल्कुल नहीं। कैसे पता करें ये बच्चा जुड़वा होगा कि नहीं होगा, इसकी भी गणना विधि हमने अपने बच्चों को बताई हुई है, कोर्सेज में पढ़ाते हैं, उससे बच्चे प्रेडिक्ट कर भी रहे। लेकिन आपको सब कुछ पहले पता हो तब तो बात चले, सब कुछ तो आपको पता है नहीं। इसके ऊपर भी एक और बात यहां पर और मैं बोलना चाहूंगा कि जो ये लंदन की जिस रिसर्च की बात हो रही थी कि जो एक ही महीने में जो लोग पैदा हुए हैं या एक ही समय में जो लोग पैदा हुए हैं उनका जीवन अलग अलग क्यों होता है, तो जरा ज्योतिष के बारे में हल्का सा अगर इनको ये ज्ञान प्राप्त हो तो इनको ये पता चले कि माँ बाप की पत्रिका का भी बच्चे की पत्रिका पर फर्क पड़ता है। ज्योतिष के ऋषि तो सीधा सीधा इस बात को कहते हैं कि 24 साल की उम्र के पहले, 22 साल की उम्र के पहले, 24 साल की स्त्री में 22 साल, पुरुष में 24 साल के उम्र से पहले माँ बाप की पत्रिका का बच्चे की पत्रिका पर प्रभाव पड़ता होता है। तो जो भी चीजें बच्चा इसके पहले ग्रहण करेगा, मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, व्हाटएवर, वो माँ बाप की पत्रिका के हिसाब से भी होगा, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। अब जिन लोगों को इस बारे में पता नहीं है
जब वो फलादेश करने बैठ जाएंगे तो क्या गुड़ का गोबर होगा, वो हो रहा है। दूसरी बात इसमें यह है कि जब जुड़वा बच्चे होते हैं दो, गौरतलब बात है एक बड़ा एक छोटा होता है, अगर आपकी कुंडली में एकादश भाव में ग्रह हैं तो वो आपका इनकम भी दिखा रहा है और वो फिर आपका बड़ा भाई भी दिखा रहा है। और अगर आपका पहले से कोई बड़ा भाई है, मतलब कि अगर आप छोटे भाई हैं, तो उसका थोड़ा सा फल बड़े भाई को भी जा रहा है। तो छोटे भाई की कुंडली में धन योग का पूरा काम करने के लिए जरूरी है कि सेकंड हाउस से बने, एकादश हाउस से ना बने या सेकंड हाउस फोकस्ड हो। यह रिसर्च की बात है, अनुभव की बात है, उसको पता होगा जो कुंडली देखते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं। अब बाकी जिन्होंने जिंदगी में कभी कुंडली का देखा नहीं, ज्योतिष के 100% ज्ञान में से जिनको 0.02% पता है, उनको ये बात कैसे पता होगी, वो इस डिफरेंशिएशन को कभी कर नहीं सकेंगे, असंभव चीज है उनके लिए। ये वैसा ही है जैसे गधे उड़ नहीं सकते, यह हो नहीं सकता है। दूसरी बात, फिर इसके बाद वो लोग ये कहते हैं कि भाई एक धमाका होता है उसमें 10 लोग मर जाते हैं जी, तो क्या 10 लोग एक ही 10 लोग मर जाते हैं जी? ये इतनी इलॉजिकल और इतनी बेकार बात है कि मैं क्या बोलूं इस पे। एक धमाका हुआ उसमें 10 लोग मर गए जी, 10 लोग एक ही उम्र के थे क्या जी? पहली बात तो ये है कि मेदिनी ज्योतिष में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर ऐसे ऐसे योग हों, योगों पे मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि ज्योतिष के योग घुसा दूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाए। अगर ऐसे 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 योग हों तो ऐसे देश में भुखमरी होती है, भुखमरी होने में उस देश की जनता का विनाश होता है। जब ये बात जनता का विनाश होता है कह दी गई है तो उसमें फिर हर प्रकार की जनता का विनाश होता है, वहां पर पत्रिका नहीं देखी जानी चाहिए, ये मुंडेन ज्योतिष में क्लियरली लिखा है। इसी वजह से ज्योतिष की जो हायरार्की है, क्रोनोलॉजी है, उसमें मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी जिसके अंदर स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी आती है वो ऊपर आती है, उसके नीचे मुंडेन आता है, उसके नीचे नेटल चार्ट आता है जिसको हम प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, कुंडली जिससे देखते हैं, बात नंबर एक। बात नंबर दो, जीवन की गणना होती है व्यक्ति के, एक व्यक्ति 24 साल की उम्र में मरने वाला है, एक व्यक्ति 35 साल की उम्र में मरने वाला है, एक व्यक्ति 28 साल की उम्र में मरने वाला है। तीनों एक समय एक ही जगह पर हैं, एक ही एक्सीडेंट में मरे, लेकिन तीनों अलग अलग समय पर पैदा हुए थे, उनकी लॉन्जिविटी डिफरेंट थी, लेकिन क्योंकि एक ही प्रकार से उनकी डेथ लिखी हुई थी इसलिए, और एक ही जगह पर डेथ लिखी हुई थी इसलिए वो उस जगह पर प्रेजेंट हुए और मृत्यु को प्राप्त हुए। उसमें भी एक बात मैं इनको और समझा दूं कि अगर बम धमाके में 10 लोग मरते हैं तो उसमें से 5 लोग आग की वजह से और 5 लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरते हैं, ठीक है? तो यहां पर मृत्यु का कारण अलग अलग दोनों के बीच में होता है, उम्र लोगों की डिफरेंट होती है, ये लॉजिकली सोचने पर ये बात सोचने में समझ में आएगी। लेकिन जो अपने विद्या बुद्धि विवेक को बेच करके ही बैठे हैं कुछ करने के लिए, उनको नहीं समझ में आ सकती। अस्तु, दूसरी बात यह है कि भाई लोगों का यह कहना है कि क्या ज्योतिषी उपाय काम करते हैं, क्या ज्योतिषी उपाय काम नहीं करते? अगर सब कुछ पहले से निश्चित है तो उपाय करने का क्या मतलब है? एक बात आप मुझे बताइए, ये गाड़ी चलेगी क्योंकि इसमें तेल भी है और सब कुछ है, तो चलाने का मतलब नहीं है क्या? ऐसा नहीं है। धन की प्राप्ति पत्रिका में लिखी है का ये मतलब नहीं है कि आप बिस्तर में सोते होंगे पंखा चला करके तो पंखे से जो है कि धन गिरना शुरू हो जाएगा, ये नहीं है मतलब। धन कमाने का पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को प्राप्त करके व्यक्ति धन कमा सकता है। यहां पर थोड़ा सा हम इस बात को भूल जाते हैं कि ज्योतिष प्रिडिक्टिव साइंस सबसे बाद में है, पहले सजेस्टिव साइंस है। वैदिक ज्योतिष में जब वेदों का विकास हुआ तो इसलिए विकास नहीं हुआ कि हम ये बताएं कि यज्ञ क्या क्या फल होगा, इसलिए विकास हुआ है कि हम ये पता करें कि यज्ञ करना कब है, कौन से दिन बारिश नहीं होगी तो यज्ञ करेंगे, खुले में यज्ञ करेंगे बारिश होगी तो यज्ञ की अग्नि बुझ जाएगी। तो ज्योतिष इस बात को लेकर सजेस्टिव है, ज्योतिष फैटलिस्टिक नहीं है, ये नहीं कहता होता कि आप ये प्रोफेशन करेंगे। ये मैं अब जब भी प्रोफेशन पे वीडियो बनाता हूं ये बात क्लियर करके रखता हूं कि पर्पज ये नहीं है कि आप क्या ज्योतिष करेंगे। मैं ज्योतिष कर सकता हूँ, कंप्यूटर आता है कंप्यूटर में नौकरी कर सकता हूँ, कुछ भी काम कर सकता हूँ, पुरुष हूँ शारीरिक लेबर भी कर सकता हूँ, लेकिन करना क्या चाहिए? तो ज्योतिष इस बात पर निर्भर है कि भाई जो ग्रह राजयोग बना रहा है अगर उसके फील्ड में व्यक्ति काम करे तो उस फील्ड में काम करने से व्यक्ति को जल्दी तरक्की हासिल होती है, क्योंकि वो पोटेंशियल, वो क्वालिटी उसके भीतर अंदर से मौजूद है, वो जल्दी तरक्की करता है। आप में से जितने भी लोग बड़े होंगे
मतलब 30-31 साल से ऊपर की उम्र के होंगे, उनको ये पता होगा कि हमारे भीतर ये पोटेंशियल था, ये तो जी हमें बहुत बाद में पता चला। जिंदगी में 10 धक्के खा करके, 2 नौकरियां छोड़ करके पता चला। वी लव दिस, ज्योतिष क्या करता है, पहले बता देता है कि आपके भीतर ये पोटेंशियल है और आप उसको पहले से हार्नेस करने लग जाते हो। जब पहले से हार्नेस करते हो तो ज्यादा समय तक हार्नेस कर पाते हो, जिसकी वजह से आप जीवन में ज्यादा सफल होते हो। ये तो बात आपको पता ही होगा कि अगर किसी को सिंगिंग का टैलेंट हो लेकिन उनके माँ बाप को यह बात पता हो तो बचपन से सिंगिंग में ट्रेन करते हो तो वो कहाँ जाएगा। दूसरा, इसी व्यक्ति को 27-28 साल की उम्र में एक्सीडेंटली पता चले कि मुझे सिंगिंग का टैलेंट है, वो तब से खुद को ट्रेन करना शुरू करे, तब कहाँ जाएगा। तो ज्योतिष जो है कि वो सजेस्टिव है, पहले सजेशन से आपको बताती है कि ये हो सकता है, इस दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए। जैसे कि ज्योतिष में सबसे पहले जो ज्योतिष के इस्तेमालों में से एक आता है वो होता है जल। कुंडली के द्वारा पता करें कि किस धरती में जल है और कितनी गहराई में प्राप्त होगा, ये ज्योतिष बताता है। जल निकाल नहीं देता, कुआं खोदते आप ही हो, तो वो जल निकाल नहीं देता। तो ज्योतिष क्या है, सजेस्टिव साइंस है। उदाहरण स्वरूप, अगर इन महाराज को ये पता होता कि मैंने कल को यूट्यूब पे ही ऐसे नरगल बातें करके पैसा कमाना है, नाम प्रसिद्धि हासिल करनी है, तो पढ़ाई लिखाई में जितनी मेहनत करी थी वो करते नहीं। उसके लिए इनको हमारे जैसे किसी व्यक्ति के पास आना चाहिए। तो ज्योतिष का जो प्राइम पर्पस है वो पर्पस ये है कि आप भारत में बहुत बच्चे IAS IPS के नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, बहुत लोग नहीं बन पाते। अगर उनको पहले से पता हो कि IAS IPS तो तुमसे नहीं हो पाएगा लेकिन बैंक में नौकरी लग जाएगी, तो वो पहले से ही बैंक में ट्राई करेंगे तो जीवन बहुत बच जाएगा। पहले सफलता हासिल करेंगे, ज्यादा पैसे कमा पाएंगे, जल्दी पैसा कमाएंगे, लाइफ में जल्दी सेटल हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। कॉमन सी बात है, 35 साल की उम्र में तो आपको भी पता चल जाएगा आप IAS IPS नहीं बन पाए, लेकिन तब फिर बैंक में नौकरी मिलना भी मुश्किल होगी, मिलेगी भी तो परमानेंट नहीं मिलेगी, सरकारी इंप्लॉय नहीं होंगे, सरकारी बैंक की मैं बात कर रहा हूँ। तो ज्योतिष का मतलब ये है कि व्यक्ति को उसके टैलेंट्स के बारे में जो छुपी हुई है, जो व्यक्ति बाद में जाने वो पहले उसको पता चल जाए, ताकि कम समय में कम मेहनत में व्यक्ति सुख को प्राप्त करे। और जब सारे व्यक्ति अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम करेंगे तब एक बेहतर समाज का निर्माण होगा। कोई व्यक्ति जिसका म्यूजिक में बहुत अच्छा स्किल है लेकिन उसके माँ बाप ने यह पहचाना नहीं, वो खुद भी जिंदगी में नहीं पहचान पाया और दबे हुए मन से बेमन से 50 साल नौकरी करता रहा, उसकी वजह से क्या हुआ, एक व्यक्ति जो वही काम बहुत मन से करता उसको नौकरी नहीं मिली और वो 50 साल बेमन से करता रहा, इससे समाज में बड़े स्केल पे इनएफिशिएंसी का निर्माण होता है जो कि ज्योतिष तुरंत खत्म कर सकती है। अगर पहले से पता चल जाए कि बच्चे में क्या पोटेंशियल है, क्या अच्छा कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। तो इसमें जहां तक रही बात उपाय की, उपाय के बारे में एक मैं बहुत बात क्लियर कर दूं कि ज्योतिष में उपाय किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, काम करेगा कि नहीं करेगा, इसके पीछे पूरी विधि है। जिस विधि को अप्लाई किया जाना चाहिए हम तो करते ही हैं, उपाय भी दवा की तरह काम करता है। सही दिशा देने के लिए, सही डायरेक्शन देने के लिए एक आम पढ़ा लिखा इंसान तो ये मानेगा, आप जिस विज्ञान को फॉलो कर रहे हैं वो आपको पावर ऑफ पॉजिटिविटी, पावर ऑफ होप बताता है। उपाय भी वही चीज करते हैं, पावर ऑफ पॉजिटिविटी, पावर ऑफ होप देते हैं। एक आपको उदाहरण देता हूं, एक व्यक्ति है जिसकी शादी टूट गई है, आने वाले समय में भी उसकी शादी चलने का कोई आसार नहीं महसूस यहां पर हमें होता। दो काम हो सकते हैं, या तो मैं इसको एक उपाय दे दूं, स्पिरिचुअल उपाय दूं, स्पिरिचुअलिटी में इसको लगा दूं और बाकी का जीवन ये स्पिरिचुअलिटी में काटे, सुखी संतोष का जीवन काटेगा। दूसरी बात है कि मैं इसको उपाय ना दूं तो ये शादी के पीछे भागता रहेगा, दूसरी करेगा वो खराब होगी, तीसरी करेगा वो खराब होगी, चौथी करेगा वो खराब होगी, जिंदगी में जितने भी संबंध बनाएगा सब खराब होते रहेंगे, ये जीवन में दुख प्राप्त करेगा। तो ज्योतिष का मुख्य एम है इंसान को परमानेंट सुख की प्राप्ति कराना, ताकि हर इंसान का जीवन सफल हो, कुछ प्रिविलेज्ड लोगों का जीवन सफल ना हो। ये काम ज्योतिष करती है, इसके लिए उपाय जरूरी होते हैं, इसको खुले मन से सोचना चाहिए। और दूसरा, तो अभी जो उपाय दिए जाते हैं उसमें से बहुत सारे तो बेकार उपाय भी हैं, उपाय भी बहुत श्रेणी के होते हैं, साइकोलॉजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल। तो इनके बीच में सोच करके एक आदमी को भी साइकोलॉजिकल उपाय चाहिए कि मेंटल उपाय चाहिए कि स्पिरिचुअल उपाय चाहिए, इसका रिजल्ट क्या होगा, इस बात को पता करके ही ऐसी बातें करनी चाहिए। दूसरा, पूजा पाठ का कोई फल होता नहीं क्या, इस पर एक सेपरेट विषय में वीडियो बनाई जा सकती है। तो
तो वो कभी बाद में बना दी जाएगी। लेकिन आप ये बात को जरा समझ लें कि अगर आपको लगता है कि उपाय करने से कुछ नहीं होता, तो इसका केवल यही मतलब है कि आपने किया नहीं है। जब आप करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो ये काम करता है। लेकिन इसमें भी निर्मल बाबा जैसे लोग जो हैं, उन्होंने आकर के समोसे में वो हरी चटनी लाल चटनी करके जो है कि उपाय की भी चटनी बना दी है। आज के भी समय में भाई आप ये बात तो नासा को बड़ा फॉलो, नासा और वेस्टर्न ज्ञान और इन सब चीजों को बहुत फॉलो किया जाता है, प्रत्यक्ष के तौर पे प्रस्तुत किया जाता है। देखिए वेस्टर्न ज्योतिष जो है उसका तो मैं आगे खंडन मंडन करूंगा ही। वेस्टर्न मेथड्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी जो है वो आज दुनिया में वेल प्रूव हो चुके हैं, बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा प्रूव हो चुका है कि भाई ग्रह गति की गणना इत्यादि जो है वो नासा जो करता है बहुत अच्छी करता है। लेकिन मजे की बात ये है कि भारत की आजादी में जब आजादी का मुहूर्त निकाला गया तो दो ज्योतिषी हरदेव शर्मा त्रिवेदी और पंडित सूर्य नारायण व्यास से मुहूर्त निकलवाया गया। ये सूर्य नारायण व्यास नासा गए थे, नासा के साइंटिस्टों ने उनको इनवाइट किया था, उस समय वो सूर्य के धब्बों पर खोज कर रहे थे और पंडित सूर्य नारायण व्यास ने उस खोज के पहले ही, उनके ढूंढने के पहले ही सूर्य के धब्बों का सन स्पॉट्स का एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन उनको दे दिया था और ये कह दिया था कि हमारे ज्योतिष के सूर्य सिद्धांत में इसका पहले से वर्णन है, जो कि नासा के लोगों ने बाद में अपने ऑब्जर्वेशन में एकदम सही पाया और उनको बुला करके अवार्ड भी दिया। ये बात सन 1950-1960 के आसपास की रही होगी। इवन यही नहीं, ओशो ने पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक में साफ तौर पर लिखा है कि चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स से जो समुद्र में हाई टाइड और लो टाइड उत्पन्न होती है वो दुनिया भर के पागल खानों में जितने भी पागल लोग हैं उनकी मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव डालती है। ये रिसर्च से साबित है। उन्होंने यह बात भी पुस्तक में बहुत रिसर्चेस के माध्यम से हवाले से बता दी है कि सन के स्पॉट्स में जो परिवर्तन होते हैं जो कि पीरियोडिकल है उसके हिसाब से अमेजन नदी की बहाव में कटाव में कितना फर्क इत्यादि आता है। पुस्तक ओशो की ज्योतिष पर अवेलेबल है, लोग चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं। लेकिन क्या है कि जिसका जिसकी आंखें कालनेमी की आंखें हों, अंधकासुर कहा है, जो अंधकासुर हो जो कि ज्ञान की आंखों से अंधा हो उनको ये सब बातें देखने में दिखाई पड़ती नहीं। इन सब चीजों से पूरा का पूरा प्रूव्ड है कि कैसे ग्रह नक्षत्र इंसान के ऊपर प्रभाव डालते हैं। बाकी इस बारे में और शोध और रिसर्च हो सकती है, लेकिन इसके लिए जरूरी यह है कि सब लोग एक मत से अगर माने तो आगे रिसर्च हो पाए। ज्योतिषियों को, जो अच्छे ज्योतिषी हैं, उनको रिसर्च करने के लिए प्रॉपर साधन संसाधन मुहैया कराए जाएं, तब तो जाकर के रिसर्च हो पाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग ही ऐसे लोगों का समर्थन करके रिसर्च में बाधा बनते हैं, बाद में कहते हैं जिसपे तो कोई रिसर्च हो नहीं पाया। कहां सरकार ज्योतिषियों को ग्रांट देती है, कहां सरकार ने ज्योतिष पे अनुसंधान करने के लिए भारत में कुछ बनाया हुआ है। ये सब चीजों का विकास होगा तब जाकर के रिसर्चेस के द्वारा चीजें प्रूव होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ज्योतिष की भारत में क्या अवस्था है और क्या अवस्था नहीं है, इस पर हम अभी आएंगे कुछ देर में। वीडियो में बहुत सारे बाबाओं का, बहुत सारे लोगों का उदाहरण उद्धरण दिया हुआ है। कुछ योग के भी प्रख्यात विद्वान हैं जो कि कहते हैं कि भाई ज्योतिष बेकार है, कुछ फिलॉसफी के लोग हैं जो कहते हैं कि भाई ज्योतिष बेकार है। मैं जरा एक बात इनको बता दूं, शायद इनको पता नहीं है कि चार वेदों में से जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद जो है, वेद से निकलता है वेदांग, उसके होते हैं हिस्से। सो यहां पर सो यजुर्वेद है, यजुर्वेद के अंदर से वेदांग निकलता है और उसमें से जो आयुर्वेद है वो ज्योतिष का सब पार्ट है। ज्योतिष जो वेदांग है, वेदांग के सब पार्ट्स में से जो है कि ये धनुर्विद्या, आयुर्वेद विद्या इत्यादि निकलती है। और अगर जो लोग खुद को बहुत बड़ा आयुर्वेदाचार्य जानते हैं, मानते हैं, कहते हैं, अगर उन्होंने ठीक से आयुर्वेद की 2-3 पुस्तकें भी पढ़ी हों तो उनको ये पता चले कि सुश्रुत इत्यादि आयुर्वेद के जो भी मूर्धन्य विद्वान हुए हैं, हारित इत्यादि, वो अपनी पुस्तक में ज्योतिष का जिक्र करते हैं। किसी जड़ी बूटी को तोड़ने का कौन सा समय होता है, इसका भरपूर जिक्र किया जाता है। लॉजिक बड़ा सिंपल है, ग्रह की गति के हिसाब से धरती पर प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा अपने गुरुत्वाकर्षण से समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न करता है, ये बात जानी हुई है।
सूर्य अपनी गति के द्वारा जो कि ज्योतिषीय गणना से जानी जाती है, एक समय पर एक काल में मार्च अप्रैल के महीने में इन इन देशों पे जहां पर से इक्वेटर गुजरता है ज्यादा धूप ज्यादा रोशनी उत्पन्न करता है, धरती थोड़ी सी टिल्टेड है ना, ज्यादा धूप ज्यादा रोशनी उत्पन्न करता है, उससे वहां पर की फसलों पर यह प्रभाव पड़ता है। गर्म प्रदेशों में क्यों ताड़ के पेड़ जो है कि ज्यादा होते हैं, प्रभाव उत्पन्न करता है। उसी प्रभाव को मद्देनजर रख करके आयुर्वेद के ग्रंथों में विस्तार में इस बात की चर्चा है कि ऐसे ऐसे जो पौधे हैं वो जब चंद्रमा इसी अवस्था में प्राप्त करता है तब उनके भीतर सबसे ज्यादा पोषण होता है, ऐसे समय पर तोड़ करके उनके आयुर्वेदिक औषधि बनाने से अच्छा फल होता है। वेद सोम नाम के द्रव्य की बहुत जिक्र करता है, ये सोम ही वो द्रव्य है जो कि इंद्र की शक्ति का कारण है और सोम को तोड़ने में सोम को बनाने में मुहूर्त का सही समय का भरपूर इस्तेमाल है। ये तो व्यक्ति को तब पता हो जब उन्होंने ठीक से आयुर्वेद पढ़ा हो, लेकिन यहां पर तो क्या है कि चिपकाना ऊपर आयुर्वेद है, उसके नीचे से जो है कि आयुर्वेद का कुछ है नहीं, आयुर्वेद का गला घोट करके जो आयुर्वेदाचार्य बने बैठे हैं उन महान हस्तियों के मुंह से ऐसा ओपिनियन निकल पाना कॉमन है, इसमें दुख की क्या बात है। उसके बाद कुछ लोग जो कि अपने आप को धर्म का पुरोधा मानते हैं, किसी के बोले हुए कैसेट से गुरु दीक्षा प्राप्त करने वाले लोग बाद में ज्योतिष के ऊपर अपना ओपिनियन अपना वक्तव्य रखते हैं, नाम प्रसिद्धि की चाहत में सुबह शाम फेसबुक यूट्यूब में अपना ऐड चला करके प्रसिद्धि हासिल करने वाले लोगों को, सतही लेवल पे जिनका ज्ञान नहीं है शास्त्रों का, जिन्होंने कोई अध्ययन नहीं किया है, जिनको ये पता नहीं कि भाई दर्शन में प्रचलित बात क्या होता है, संदर्भ क्या होते हैं क्या नहीं होते, आदि गुरु शंकराचार्य का अद्वैत आजकल बड़ा पॉपुलर है तो सिर्फ उस अद्वैत को लेकर के अद्वैत की पीपनी बजाते हुए लोगों के मन को जो बात रुचिकर लगे ऐसी बातें कह करके प्रसिद्धि हासिल करने वाले लोग, जिनको ये भी नहीं पता कि अद्वैत के अलावा विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत क्या है, कितने प्रकार के फिलोसॉफी में मत हैं क्या नहीं है, जब ऐसे लोग अपने अधकचरे आधे अधूरे ज्ञान के साथ ज्योतिष पे अपना चमड़े का मुंह खोलने लगे। हमारे नाना जी एक बात कहा करते थे कि शुभम चमड़े का मुंह है, बोलते आदमी थकता नहीं है, इसलिए सुबह शाम मन में जो आए वो बोलता रहता है, लेकिन ज्ञानी जन वो है जो बोलने से पहले अपनी बात को तोले और बोलने से पहले खुद से ये पूछे कि मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं क्या उसका मुझे पूर्ण ज्ञान है। लेकिन वैसा तो है नहीं, आदमी एक विषय को जानता है, उस विषय पे ज्ञान प्रस्तुत करता है, लोग उसको ज्ञानी घोषित कर देते हैं और फिर यहीं पर अहंकार उत्पन्न होता है, वो सोचता है कि मैं एक विषय का ज्ञानी हूं तो हर विषय का ज्ञानी। हमारे हिंदू शास्त्रों ने स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है, पर मैत्रेय ने भरत पराशर में पराशर को कह दिया कि हे प्रभु कलयुग में तो लोग अल्प बुद्धि होंगे। श्री कृष्ण ने भी भागवत में अर्जुन को युधिष्ठिर को कह दिया कि कलयुग में लोग दुर्बुद्धि होंगे, बुरी चीजों में लिप्त होंगे, गलत ओपिनियन को बहुत जल्दी से मान लेंगे, बुरे लोगों को प्रसिद्धि प्राप्त होगी, लोग अल्प बुद्धि होंगे हीन बुद्धि होंगे, और ये अपने कलयुगी होने का भरपूर परिचय दे रहे हैं। तो इसमें तो मुझे लगता है कि कोई आश्चर्य की बात ही नहीं है, युगानुरूप कार्य कर रहे हैं कलयुग स्वरूप है, कलयुग स्वरूप दिखा रहे हैं, तो खैर इसमें कोई बात नहीं। इसमें बीच बीच में कभी कभी एक डूम्सडे प्रेडिक्शन की भी बड़ी चर्चा चली कि भाई माया कैलेंडर 2012 में खत्म हो जाता था तो लोगों ने कह दिया कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा तो हुआ नहीं। भाई जिसने माया कैलेंडर देखा या पढ़ा है वो मुझको ये बात बता दे कि माया कैलेंडर में कहां लिखा था कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। कुछ लोगों ने यह मान लिया कि क्योंकि माया बड़ी पुरानी सभ्यता है और उसका कैलेंडर 2012 में खत्म हो रहा है तो 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, लिखा कहीं नहीं था दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन किसी ने, अब वो किसी कौन है पता भी नहीं, तो मतलब वो किसी की कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं, किसी ने कह दिया कि कैलेंडर क्योंकि इसके आगे बढ़ रहा है तो दुनिया इसके आगे नहीं बढ़ेगी, कैलेंडर में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, ये माया सभ्यता, ये एजटेक सभ्यता, ये इन्हीं लोगों से प्रभावित हुए जिनका नाम पहले लिया मैंने, थेम्स ऑफ मिलेटस और इन लोगों से प्रभावित हैं, ये लोग मैथमेटिशियंस थे और ज्ञान देखिए हमेशा बढ़ता रहता है। ये बात विज्ञान के बारे में भी बिल्कुल सही है, भाई आइंस्टाइन के होने के पहले भी विज्ञान पूर्ण था, स्टीवन हॉकिंग्स के होने के पहले भी विज्ञान पूर्ण था। तो विज्ञान जैसी जो चीजें होती हैं वो ऑलवेज डेवलपिंग होती हैं, हर समय पूर्ण होती हैं और आगे नई खोजें होती रहती हैं, उनका भी समावेश होता रहता है, फिर भी पूर्ण होती रहती है। वाहन का उदाहरण लीजिए,
सन 2000 में भी वाहन एडवांस थे, 2010 में भी एडवांस थे, आज 2020 में भी एडवांस है, आगे 2030 में भी एडवांस होंगे। अब 2020 में जो एडवांसमेंट है उसकी 2010 से तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि 2010 में वाहन अधूरे थे। यही सेम बात ज्ञान के लिए भी होती है। ज्ञान सतत अनुसंधान का फील्ड है, रोज इसमें ज्ञान बढ़ता जाता है, लेकिन ज्ञान फिर भी पूर्ण होता है। तो विज्ञान जैसे जो विषय है जो कि एवर डेवलपिंग है, उसमें आज तक जितने डेवलपमेंट हुए हैं उसको पढ़ करके किसी को ये नहीं मान लेना चाहिए कि हम सब कुछ जानते हैं। जो असली जो वैज्ञानिक है ना, वो नहीं जो YouTube में आई एम अ साइंटिस्ट एंड आई एम मेकिंग दिस फॉर्मूला जो करते हैं, वो नहीं। असल में जो साइंटिस्ट है DRDO वगैरह के, उनसे कोई पूछ ले तो हर साइंटिस्ट आज इस बात को स्वीकारेगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम नहीं जानते, उसको हम जी गॉड पार्टिकल कह देते हैं। भविष्य में जानेंगे तो एक्सप्लेन करेंगे, अभी नहीं पता। एक बिग बैंग थ्योरी कह देते हैं, जानते नहीं है जी, भविष्य में जानेंगे तब करेंगे। तो जो असल में साइंटिस्ट है उनको इतना घमंड नहीं है, लेकिन जो फेसबुक यूट्यूब पे जो साइंटिस्ट हैं जो कि 24-25 साल के बच्चों को एम्प्लॉय कर रखा है इंटरनेट से नॉलेज ढूंढने के लिए, और वो नॉलेज को कंपाइल करके जो यूट्यूब वीडियो में बोल करके जो साइंटिस्ट बने, उनको सब पता। असली में जो साइंटिस्ट है उसको नहीं पता, उसको इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही, इनको ज्यादा है थोड़ी सी। कलयुग का यही लक्षण है, कम ज्ञान होने पर अहंकार होना कलयुग के लक्षणों में से एक है, हमारे ही हिंदू शास्त्रों में लिखा हुआ। दूसरी बात यह है कि यह बात बहुत सत्यापित हो चुकी है कि लोगों के ढूंढने के बहुत पहले आर्यभट्ट ने, वाराणसी ने पृथ्वी से सूर्य की दूरी, 0.0, ये सब हमारे हिंदू साइंटिस्टों ने बहुत पहले ही ढूंढ लिया। इन्हीं के ग्रंथों के अनुवाद से या भारत के किसी व्यक्ति के दूसरे देश में पहुंचने से अन्य लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ, जिस ज्ञान को कि उन्होंने फिर प्रस्तुत किया। तो ऐसी सभ्यता पर आप उंगली उठा रहे हैं जो कि जीरो का, डेसिमल का, इन सब की खोज बहुत पहले ही कर चुका था। तो जब आप ऐसी सभ्यता पर उंगली उठा रहे हैं तो कम से कम उस सभ्यता के बारे में कुछ जानें, उस सभ्यता के बारे में कुछ पढ़ें, उसके बाद जाकर के उंगली उठाएं। लेकिन वो तो इनको संस्कृत कहां आती है, संस्कृत आती नहीं, संस्कृत में क्या ग्रंथ है वो पता नहीं, किसी ने ये कहा है उसके दम पर निर्णय करेंगे तो फिर क्या होगा, वही होगा जो होता है। वो जो बात है कि दाल में काला नहीं है, दाल ही काली है। इसके बाद देखिए, इसमें सिर्फ इनकी ही गलती नहीं है, इसमें यहां पर जो गलती है वो ज्योतिषियों की भी है बहुत। आज के समय में जो ज्योतिषी हैं, डूम्सडे प्रेडिक्शन की मैं बात कर रहा था, तो इसके अलावा फिर ये चीज निकल करके आई, बहुत सारे और लोगों ने भी डूम्सडे प्रेडिक्शन किया, किसी ने डेट बढ़ा दी, किसी ने ये किया नहीं हो पाई, वो किया नहीं हो पाई। ये सारे के सारे लोग वेस्टर्न ज्योतिष करते थे। अब वेस्टर्न ज्योतिषियों ने जो भविष्यवाणी की वो सही नहीं हुई, इसके लिए वैदिक ज्योतिष गलत है, इसके लिए वैदिक ज्योतिष लुटे रहे हैं, ये कहां की बात। फिर से ये वही बात है, लंदन में बर्फ पड़ रही है तो जो है कि दिल्ली में ठंड होगी। अरे भाई, लंदन में बर्फ पड़ने का दिल्ली में ठंड होने से मतलब क्या है? इसमें थोड़ी गलती जो ज्योतिष के प्रैक्टिशनर के हैं उनकी भी है। पहले हमें यह जानना चाहिए कि जो व्यक्ति अपने आप को ज्योतिष कह रहा है वो कितना पढ़ा लिखा है, कहां से पढ़ा लिखा है इत्यादि। अब इसमें यहां पर यह बात होती है कि कुछ लोग मैच की भविष्यवाणी करते हैं, मैच की भविष्यवाणी ठीक नहीं निकलती। मैच की भविष्यवाणी किस प्रकार से कर रहे हैं? प्रश्न कुंडली के हिसाब से की जा सकती है। इस मामले में फिर आज बड़ी अराजकता फैली हुई, कोई भी प्रश्न पूछ लेता है ये पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी क्या, ये मैच जीतेगा क्या, और उसमें आप कह देते हो कि हाँ जी जीतेगा कि नहीं जीतेगा, जो कि गलत तरीका है। प्रश्न कुंडली का विज्ञान सीधा कहता है कि जो प्रश्न से डायरेक्टली प्रभावित हो वही प्रश्न पूछने का अधिकारी है। अतः मैच में खेलने वाला कोई प्लेयर अगर पूछे कि मैच कौन जीतेगा तो उसका उत्तर सही निकल सकता है। BCCI पूछे कि भारत जीतेगी कि नहीं जीतेगी तो उत्तर सही निकल सकता है। आपकी गली में रहने वाला सुरेश पूछे कि भारत मैच जीतेगा कि नहीं, क्योंकि उन्हें सट्टे में पैसे लगाने हैं, तो नहीं निकल सकता। ये तो बात नंबर पहली है। दूसरी बात, अगर ग्रह गति के हिसाब से व्यक्ति देख रहा हो तो इंडियन क्रिकेट टीम का कोई हॉरोस्कोप नहीं हो सकता, तो उसके हिसाब से देखना बेमानी चीज है, उससे कोई रिजल्ट नहीं देखा जा सकता। प्रश्न कुंडली सही तौर पर देखा जा सकता है, अन्यथा 11 के 11 प्लेयर की कुंडली लेकर के, 11 प्लेयर विरोधी टीम के उनकी कुंडली लेकर के सबका विस्तृत विश्लेषण करके मैच का रिजल्ट बताना चाहिए, जो कि बता पाना असंभव है, क्योंकि 11 22 प्लेयर हुए टोटल।
22 प्लेयर का असली हॉरोस्कोप हो, उनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, 16 वर्ग कुंडली, 19 ग्रह, सबका गणना विवेचन करके फलादेश किया जाए, ये तो भाई कर ही कौन रहा है। ये पहले बात होती है। दूसरी बात यह है कि ज्योतिष के फील्ड में ये सीधी बात बोली गई है, आदमी को बायस्ड नहीं होना चाहिए। ज्योतिषियों के कुछ गुण हैं, शिक्षक के गुण होते हैं, विद्यार्थी के गुण होते हैं, हर व्यक्ति के गुण होते हैं ना भाई, ये गुण है जो है कि जो ब्राह्मण का ये गुण है, क्षत्रिय का ये गुण है, तो ज्योतिष का एक गुण है अनबायस्ड होना। लेकिन समस्या की बात यह है कि आजकल लोग बायस से अछूते नहीं रह पाते हैं, लोग बायस्ड हो जाते हैं, ऐसा ज्योतिषियों के साथ भी होता है। तो जो बायस्ड ज्योतिषी है उसकी बात फिर सुनना जो है कि ठीक नहीं लगती। यही पर्टिकुलर वजह है कि मैं ऐसे फलादेश को कि भाई कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी या कौन सी टीम मैच जीतेगी, क्योंकि इसमें बायस आना अवश्यंभावी है, इसमें आने वाले बायस को रोका नहीं जा सकता, इसलिए ऐसे इसका मैं समर्थन नहीं करता। दूसरी बात मंडेन प्रेडिक्शन की, कोरोना की। अब मैंने बोला कि संस्कृत का ज्ञान तो है नहीं, हिंदू विद्याओं के बारे में बात करते हैं और हिंदू विद्या को कुछ पढ़ते लिखते हैं नहीं, इसलिए इन लोगों को पता नहीं होगा। लेकिन कोरोना आने के पहले भारत के बहुत रीजनल पंचांगों ने इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि ऐसी कोई बीमारी आने वाली है। उसके बाद जब कोरोना आ गया तो मैंने लोगों को तो खैर ये बात पब्लिकली नहीं बोली, लेकिन अपने विद्यार्थियों को और मुझसे जुड़े हुए क्लाइंट्स को और इन सब लोगों को मैंने ये बात कह दी थी कि कोई भी बीमारी जो इस दुनिया में आई है वो आज तक खत्म नहीं हुई, चाहे चिकन पॉक्स हो, फीवर हो, कोई भी बीमारी हो, इन्फ्लुएंजा, हैजा, डायरिया, कभी ना कभी पहली बार आया, लेकिन उस पहली बार आने के बाद खत्म नहीं हुआ। होता क्या है कि जब से इंसान ने पशुपालन करना शुरू किया है तब से पशु और इंसानों के कॉन्टेक्ट के कारण बीमारियां आनी शुरू हुई हैं, तब से लगातार आती ही जा रही हैं। जैसे जैसे पशुओं में जेनेटिकल चेंज होते रहते हैं, इंसानों में जेनेटिकल चेंज होते रहते हैं, इंसान और पशु के बीच में इंट्रैक्शन से एनवायरमेंट में जेनेटिकल चेंज होते रहते हैं, नई बीमारियां आती रहती हैं, कभी खत्म नहीं होती। ये बात प्रूवन फैक्ट है, और किसी भी विज्ञान को फॉलो करते समय, किसी भी चीज को करते समय फैक्ट को तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस बात को मान के चले, सूर्य क्षत्रिय ग्रह है, क्षत्रिय ग्रह होने के कारण घनी चौड़ी अच्छी मूछें दिखाता है। पुरुष की कुंडली में लग्न में होगा तो आप बोलेंगे इसकी मूछें बहुत अच्छी होंगी, मूछ रखने का शौकीन होगा, लेकिन स्त्री की कुंडली में हो तो भी बोलेंगे कि मूछ रखने की शौकीन होगी। तो सर पे पत्थर रख के नहीं करना है भाई, लॉजिक को जला नहीं देना है, लॉजिक की तिलांजलि नहीं दे देनी है, बुद्धि में रह करके सेन बात करनी है ना। तो कुछ एक रूल ऑफ द लैंड होता है, उस लॉजिक होता है, दिमाग की चीज होती है, उसको भी ध्यान में रखा जाता है, तो उसको ध्यान में रख करके बात की जानी चाहिए। मेरा फलादेश इसमें डे वन से तो यही था। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ज्योतिषियों का क्लिप्स है कि भाई उन्होंने कहा कि कोरोना इस समय खत्म हो जाएगा, कोरोना उस समय खत्म हो जाएगा। क्या इन्होंने जब कोरोना शुरू हुआ उस समय की कुंडली देख करके इस बात का निश्चय किया कि किस ग्रह ने कोरोना उत्पन्न किया? इसके अलावा जो मुंडेर प्रेडिक्शंस होती हैं, इसमें मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि लोग भारत देश की कुंडली बना लेते हैं या किसी देश की कुंडली बना लेते हैं, उससे मुंडेर भविष्यवाणी करते हैं, जो कि सर्वथा गलत है। मेरे दादाजी का जन्म 1940 के पहले हुआ था, भारत देश की कुंडली 1947 से बनाई जाती है, तो क्या मेरे दादाजी भारत में नहीं पैदा हुए? बहुत गलत बात है। ये बीच में 70s 80s में ज्योतिषियों की एक जमात चल पड़ी जिन्होंने कि देश की राशि, कॉन्टिनेंट की राशि निकालना शुरू करा। वो राशि निकालने से लेकर के जन्म कुंडली बनाने तक हो गया कि जिस देश जिस दिन आजाद हुआ उस दिन की कुंडली बना लो, जन्म कुंडली बन जाएगी, जो तरीका है ही नहीं। ऋषियों ने, वारामिहिर प्रवृत्ति ऋषियों ने कूर्म चक्र, फनी चक्र, इन सब चक्रों का जिक्र किया है जिसके द्वारा कहां पर ग्रह का गोचर हो रहा है उसके अनुसार कूर्म चक्र के किस भाग में पड़ता है, वो दुनिया के किस भाग को रिप्रेजेंट करता है, उस भाग में दिक्कत समस्या होगी, ऐसा प्रेडिक्शन करना चाहिए। जो लोग इस हिसाब से प्रेडिक्शन करते हैं उनके प्रेडिक्शन 100% सत्य जाते हैं, जिनमें से एक पंडित हरदेव शर्मा त्रिवेदी का नाम बहुत उल्लेखनीय है। वो जब तक जीवित थे तब तक अपने पंचांग में जो भी प्रेडिक्शन करते थे बहुत एक्यूरेट जाते थे, क्योंकि वो ऐसे चक्रों का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा मुंडेन प्रेडिक्शन करने के लिए धूम केतु, उल्कापात, क्रांतिसाम इत्यादि की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कब औकर हो रही है, कब औकरंश खत्म हो रहा है, कब हो रही है, कब नहीं हो रही है, इनको ध्यान में रख करके फलादेश करना चाहिए। ये जिन ज्योतिषियों का एग्जाम्पल लिया जा रहा है और ये जो ज्योतिषी ये सब भविष्यवाणी कर रहे हैं, उनको क्रांतिसाम, पुच्छल तारा, उल्कापात कैलकुलेशन करना तो छोड़िए, इनको इनका नाम भी पता नहीं होगा, ये भी छोड़िए,
फलित ज्योतिष में ही जो ग्रह की युति होती है, चार प्रकार की युति होती है, अंश युति, भेद युति, अंशुमर्द युति और एक और प्रकार की युति होती है। इनको, इन चारों युतियों को गणना कैसे करनी है वो तो छोड़िए, इनको इनका नाम भी पता हो तो बहुत बड़ी बात है। दो ग्रह के बीच में ग्रह युद्ध क्या होता है, ग्रह युद्ध में ग्रह जीतता कब है, हारता कब है, उत्तर अयन क्या होता है, दक्षिण अयन क्या होता है, इनका इनको कुछ ज्ञान हो तो पता चले। लेकिन समस्या की बात यह है कि इन चीजों का कुछ ज्ञान नहीं है। देश दुनिया की कुंडली बना करके खुद फलादेश करते हैं और फिर ऐसे लोग बच्चों को भी पढ़ाते हैं, बच्चों को भी असली तरीके का कुछ पता नहीं होता। भारत की कुंडली से फलादेश करते हैं, इस पे किताबें लिख रहे हैं, इस पे आर्टिकल चल रहे हैं, अपना प्रेडिक्शन यहाँ वहाँ करके यहाँ वहाँ पब्लिश करवा देते हैं, उसके बाद हंसी के पात्र बनते हैं। जब ये तरीका ही नहीं है तो इस तरीके से रिजल्ट कैसे निकलेगा? फिर ऐसे लोग जो हैं यही समाज में इन्हीं लोगों की प्रेडिक्शंस को देख करके लोग समाज में ज्योतिष का मजाक उड़ाते हैं। तो मैं तो ये समझता हूं कि ज्योतिष का मजाक उड़ाने में दूसरे जहां जिम्मेदार हैं, ज्योतिषियों की आधी भागीदारी भी उसमें, कि असली जाने समझे बिना चीजों को कह देने से यही हालत होगा। किसी ने कह दिया कि भाई राहु वायरस इत्यादि का कारक है, तो अब हम राहु के गोचर से जो है कि वायरस डिजीज देखने लग गए। किस ऋषि ने लिखा है कि राहु वायरस का कारक है, मुझे कोई समझाए? कोई गुरु केतु की युति लेकर के बैठ गए। अरे भाई, कब से गुरु वायरस का कारक हुआ और कब से केतु वायरस का कारक हुआ और कौन से ऋषि ने लिखा है, कोई मुझे इस बात को समझाए जरा। किसी ने नहीं लिखा। तो ऐसी अनर्गल बात करना चाहिए नहीं। जो लोग, जिनको लोग फॉलो कर रहे हैं, एक ज्ञान के लेवल पे बैठे हैं, वो कम से कम ज्ञान की लज्जा रखते हुए कुछ बोलने से पहले सोचें कि कितने क्रेडिबल बात कर रहे हैं, और आप भी फॉलो करने के पहले सोचें कि कितनी क्रेडिबल बात है। अब आप मुझे एक बात बताएं कि जो विदेशी समाज, इस पे आगे चर्चा है, जो विदेशी समाज पक्के रिलीजन से जुड़े हुए हैं, रोज हर संडे को चर्च जाने वाले लोग ज्यादा शालीन होते हैं, ज्यादा सभ्य होते हैं, ज्यादा शांत होते हैं। ये बात स्टैटिकली प्रूवन है, ये बात स्टैटिकली प्रूवन है। गवर्नमेंट भी इस बात को कहीं ना कहीं मानती है, इसलिए इन चीजों को इनकरेज करती है। तो ये उपाय का इम्पैक्ट हुआ, सोशल गैदरिंग का इम्पैक्ट, इनर सेटिस्फैक्शन है, ये बात क्लियर है। ये मैं अभी वैदिक उपाय पर नहीं आ रहा हूं, जनरल एक एग्जाम्पल दे रहा। तो अगर किसी को उपाय करके मेंटल सेटिस्फेक्शन होगा, और एक मेंटली सेटिस्फाई आदमी नौकरी में बेहद जरूरी बात ही है कि अच्छा परफॉर्म करेगा, जीवन में शांत होगा क्योंकि उसको मेंटल सोलेस मिल रहा है स्पिरिचुअल गैदरिंग की वजह से। तो इसको समझने में कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन बात क्या है, समझने की बुद्धि होनी चाहिए, जो समझने की बुद्धि की है नहीं। आगे ये बात है कि भाई किसी के नाम में एक्स्ट्रा के लगा देने से, किसी के नाम में एक्स्ट्रा आर लगा देने से क्या लोग सफल हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं होते जी, मैं तो साफ बात कहता हूं, बिल्कुल मैं इस बात से सरोकार रखता हूं कि नाम में एक्स्ट्रा एस, एक्स्ट्रा आर, एक्स्ट्रा पी, एक्स्ट्रा एक्स वाई जेड क्यू, आर एम एस टी कुछ भी लगा देने से कुछ नहीं होता, मैं इस बात को मानता हूं। इसी वजह से शुभ नाम नाम का मैंने कोर्स किया था, जहां पर कि मैंने ज्योतिषीय रूप पे सही नाम कैसे चूज करें उसको मैंने बताया था। नाम में किसी वर्ड को एक्स्ट्रा बढ़ाया घटा लेने से जिंदगी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट ये नहीं बता सकता कि आपने नाम में ये चेंज किया है इसका प्रभाव कब पड़ेगा, इसका प्रभाव क्या होगा, कब प्रभाव कम होगा या कब प्रभाव ज्यादा होगा, कुछ नहीं बता सकता। इस वजह से इसको प्रिडिक्टिव साइंस समझना नहीं चाहिए, और ज्योतिष से इसको, ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी के बीच में कंफ्यूज करना, मतलब ओ माय गॉड, जिसने कम से कम विकिपीडिया पर ही पढ़ लेता व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, उसको ही पता चल जाता है कि न्यूमरोलॉजी इज नॉट एस्ट्रोलॉजी। तो क्या जो भी है छोड़िए, ठीक है। तो मैं इस बात से पूरा सरोकार रखता हूं कि फर्क पूरा नाम बदलने से ही पड़ता है। वह पूरा नाम जो है कि जन्म कुंडली देख करके बदलना चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी सुपर साइंस है, जो केन रॉस साहब ने अपनी किताब में साबित कर रखा है। मैं भी अंत में बताऊंगा इस विषय पर थोड़ा, और हॉरोस्कोप के हिसाब से नाम रखना चाहिए, उसके बाद जिंदगी बदल जाती है। और एक नहीं, दो नहीं, मैं कहता हूं कोई भी मेरा मेथड पढ़ ले, हजार लोगों की कुंडलियों में लगा ले, और उनको पता चल जाएगा कि जिनका नाम मेरे हिसाब से सही ग्रहों पर होता है वो जिंदगी में सफलता हासिल करते हैं और बाकी लोग सफलता हासिल नहीं करते। मेरे मेथड में मैंने सविस्तार बताया है कि नाम बदलने से इतने इतने समय पर ये इम्पैक्ट आता है, जो लोगों के जीवन में घटित भी होते हैं।
तो बात यह है कि प्रॉपर नॉलेज हासिल करके चीज को करने से तो ठीक ही होता है, बाकी किसी मैथमेटिशियन की कही हुई बात से कोई प्रिडिक्टिव साइंस निकाल करके उसमें फिर घालमेल करके अगर कोई फलादेश करना चाहे तो वो फलादेश सफल नहीं हो सकता। और वो सफल हो या ना हो, सबसे बड़ी मूर्खता तो ये है कि आप उसको ज्योतिष मान के बैठे हैं, एस्ट्रोलॉजी मान के बैठे हैं, जो कि बहुत गलत है। जो इंडियन जो अपने आप को वैदिक एस्ट्रोलॉजर कह करके न्यूमरोलॉजी करते हैं उनसे तो मैं यही बात पूछ लेना चाहूंगा कि न्यूमरोलॉजी में आप कोई भी सिस्टम फॉलो करते हो, चेल्डियन हो या व्हाटएवर हो, जिनकी आप फॉलो कर रहे हैं वो खुद ही इंडियन नहीं है, तो आप कहां से वैदिक ज्योतिष में न्यूमरोलॉजी घुसाए जा रहे हैं, प्रभु भगवान जाने। उसके बाद दूसरी बात यह है कि भाई जिन लोगों की कुंडली मैचिंग भारत में चल रही है, जिन लोगों की कुंडली मैच होती है, क्या उन लोगों का विवाह हमेशा ठीक चलता है? जिन देशों में कुंडली मैच होती नहीं वहां पर क्या सबकी शादियां खराब चलती हैं? इस विषय में मैं एक बात कहना चाहूंगा। पहली बात तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ज्योतिष में ज्ञान की कमी, अध्ययन की कितनी कमी है, तो 36 गुण के हिसाब से कुंडली मिला करके अगर आप शादी कराएंगे तो वो तो ना मिलाने के ही बराबर है। इसको ठीक से समझ करके अगर कुंडली मिलान की जाएगी तो उसमें कोई जो है कि समस्या की बात नहीं है, लेकिन अगर ज्योतिष में किसी भी चीज के का सबसे ज्यादा नाश हुआ है तो वो कुंडली मिलान का हुआ है। दूसरी बात यह है कि मैं बहुत साफ सीधी सुथरी बात कहता हूं कि अगर सप्तम भाव पे किसी पाप ग्रह का प्रभाव नहीं है, दशा अंतरदशा अच्छी चल रही है, तो बाय डिफॉल्ट आदमी ऐसे व्यक्ति से मिलता है जिसके साथ उसका वैवाहिक जीवन बहुत मधुर चलना होता है। ऐसे मामले में कुंडली मिलाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अरे जिसके पैर ठीक से काम करते हैं उसको स्ट्रेचर पे चलने की आवश्यकता क्या है, जिसके नहीं करते उसको ही चलने की आवश्यकता है ना। तो ऐसे व्यक्ति को करने की कोई आवश्यकता है नहीं। जिनकी कुंडली में योग ठीक नहीं है उनको कुंडली मिलान करना चाहिए, और जो कपल बिना कुंडली मिला करके शादी करके बैठे हैं और उनके वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, ध्यान रखिएगा भाई, ये नहीं कि साथ रह रहे हैं लेकिन आपस में बात तक नहीं करते उसको आप अच्छा मान लो तो आपकी बुद्धि को दाद है मेरी तरफ से। जिनका असल में अच्छा चल रहा है उनकी कुंडली लेकर के जो असली नियम है कुंडली मिलान के, जो कि मैं मैचमेकिंग वेबिनार में पढ़ाया था, उसको लगा करके कोई व्यक्ति देख ले। कितने ही मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उनके माँ बाप जिनकी अच्छी जिंदगी चल रही है उस पे मिला करके कहते हैं कि सर आपके प्रिंसिपल लगाने से हमें पता चलता है क्यों इनकी अच्छी चल रही है। तो बिल्कुल ये बात है। सेकेंडरली विदेश में क्या मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं होती, इस पे मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये दूसरा बहुत बड़ा सामाजिक शत्रु है भारतीय समाज का, विदेश का। विदेश में मैरिज का कॉन्सेप्ट क्या है, इनफाइडेलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, डिवोशन डेडिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको जरा ठीक से लोगों को समझना चाहिए। आजकल आए दिन ही होते रहते हैं कि भाई साइंटिस्टों ने प्रूव कर दिया कि कोई क्या वो मोनोगेमस पॉलीगेमस मोनोगेमस इंसान नहीं होते, सब पॉलीगेमस होते हैं, आदमी किसी से अट्रैक्टेड इतने साल तक ही रह पाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी की सारी रिसर्चेस जो हैं विदेशी हैं, विदेशी लोग ये रिसर्चेस करते हैं क्योंकि वहां पर तो ये कॉमन है, वहां पर ये सब जो चीजें हैं वन नाइट स्टैंड और अफेयर और ये सब कॉमन है। अब जो लोग इसको कॉमन मानते हैं और इसको लाइफस्टाइल का पार्ट ही मानते हैं घटकन चुकी जैसी चीजों को, अगर उनका वैवाहिक जीवन अच्छा भी है, उनके हिसाब से अच्छा है, सेटिस्फैक्ट्री है, तो वो धरातल में सच्चाई में कितना अच्छा है ये सवाल करने की बात है। जिन देशों में बिना मैच मेकिंग के, बिना कुंडली मिलान के और बिना मुहूर्त के शादियां हो रही हैं, वहां पर शादी का लेवल क्या गिर चुका है, लोगों के आपसी प्यार का लेवल कितना है, वहां समझ अंडरस्टैंडिंग किसको कहते हैं, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम टुगेदर किस चीज को कहते हैं, ये मुझे कोई बता दे। एक ऐसे जगह में जहां पर साथ में टाइम स्पेंड करने का मतलब होता है मुंह बंद करके साथ में फिल्म देखना और आपस में एक दूसरे के बारे में बातें करने के लिए, बातें जानने के लिए, पति पत्नी के काम में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती, पत्नी पति के काम में इंटरेस्ट कोई नहीं रखता, वहां पर अगर दो लोग कहते हैं कि हम तो जी आपस में प्यार में हैं, तो ये प्यार मेरे लिए तो संदेहास्पद है कि कैसा प्यार है कि तुम दूसरे के बारे में जानने के इच्छुक नहीं हो। प्यार है भी, तो इस बात को बड़ा ध्यान में रखना चाहिए और उसके बाद ऐसी बातें करनी चाहिए। भारतीय समाज में क्योंकि कुंडली मिलान मुहूर्त है, इसलिए भारतीय समाज में शादी के दायरे इतने नहीं गिरे अब तक। उसमें भी आजकल के महान पढ़े लिखे विद्वान ज्योतिषी, जिनकी मैं पहले बात कर चुका हूं, अगर वो कुंडली मिलान करने लगेंगे तो मुझे तो इस बात का डर है कि आने वाले 15 साल में भारत में भी गिर जाएगा स्तर। इसके लिए
जो विद्या जहां सही रूप में प्रैक्टिस हो रही हो वहां पर उसको सहेजना संजोना चाहिए, वरना जैसे जानवर इंडेंजर्ड हो जाते हैं, विद्या में इंडेंजर्ड हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसी वजह से हम बहुत सारे ग्रेट इंडियन साइंसेस में सुनते हैं कि भारतीय विद्वान पहले ऐसा कर लेते थे, पहले वैसा कर लेते थे, लेकिन जो कर पाते थे उनको संरक्षण नहीं मिला, इस वजह से अब कर लेते थे हो गया है, कर लेते हैं नहीं रह गया। तो इसको ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात इसमें ये कही जाती है कि भाई जब इतना ही पता है तो ज्योतिषी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अमीर क्यों नहीं बन जाते, ये क्यों नहीं हो जाता, वो क्यों नहीं हो जाता। बहुत सारे ज्योतिषी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते भी हैं, इन्वेस्ट करके अमीर बने भी। लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि स्टॉक मार्केट जैसी चीज़ें जो हैं, इनमें इन्वेस्ट करके कमाया गया पैसा व्यक्ति का हमेशा साथ नहीं देता, बीमारी दुर्घटना इत्यादि लेकर के आता है। तो इसको मैं सपोर्ट करता नहीं, और मेरे जैसे बहुत ऐसे ज्योतिषी हैं जो कि इस बात को नहीं मानते, क्योंकि वो उन लोगों की लाइफ देख चुके हैं जो स्टॉक मार्केट में पैसा डाल करके अमीर बने हैं। इस वजह से ज्योतिषी लोग नहीं करते, ये मुख्य वजह है जिसको मैं भी पक्षधर हूं जिसका। दूसरी बात यह है कि ज्योतिषी आपको ये देख के कह रहा है कि आपकी कुंडली के हिसाब से आप अमीर बन जाओगे। मित्र, आपकी कुंडली है, ज्योतिषी की नहीं है। ये बात जरा समझिए। अगर मैं किसी बिजनेसमैन को कह रहा हूं कि इस प्रकार का बिजनेस करके तुम सफल बन जाओगे, तो वो स्किल उसमें है, कुंडली उसकी है, मेरी नहीं है। इसको समझा जाए। और ये सारी बातें इसके मद्देनजर की जाती हैं। तो पहली बात तो ज्योतिषी स्टॉक मार्केट वगैरह में पैसा डाल के पैसा कमाते हैं। दूसरी बात है, जब कोई बात की जाती है, ये बड़ा कहा जाता है ज्योतिषी दूसरे को कह रहा है ऐसा कर ले, खुद क्यों नहीं कर लेता, क्योंकि खुद उसको योग नहीं है, खुद उसमें वो स्किल नहीं है, खुद उसमें वो टैलेंट नहीं है, खुद कैसे कर लेगा, नहीं खुद कर सकता ना। जो कर सकता है उसी को कहा जाता है, उसी को कहा जा रहा है। तो इस बात को समझना चाहिए, लॉजिकली सोचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ऐसे लोग जो कि दूसरे को, ऐसे लोगों की प्रवृत्ति इसी बात से पता चलती है कि ये वीडियो बनाते हैं जिनमें इनका ये क्लेम है कि मैं लोगों को ज्ञान दे रहा हूं। उस वीडियो के बीच में ऐड चला रखा होता है कि आप यहाँ पर जाल करके ये टोकन, ये कूपन डालेंगे तो ये होगा, ये कॉलेबरेशंस करते हैं, ये कॉलेबरेशंस करके पैसे का ये सारा है। रोज मुझे हफ्ते में मेरे ख्याल से 2-3 मैसेजेस आ जाते हैं, ईमेल्स आते हैं कि जी हम आपके साथ कॉलेबरेट करना चाहते हैं, आप वीडियो में 5 मिनट का ऐड दे दो, हम इतना पैसा देंगे, उतना पैसा देंगे। लेकिन मेरा पर्पज मेरे यूट्यूब चैनल पे तो सिर्फ ज्ञान देना है, तो मैं इन सब चीजों में लगता नहीं हूं। लेकिन जो लोग इन सब चीजों में लिप्त हो रहे हैं, सोचने की बात है कि उनका कितना पर्पस ज्ञान देना है और कितना पर्पस ऐसा कंटेंट बनाना है जिस पे लोग रिएक्शन दें, जिसको लोग देखें, जिसको लोग शेयर करें, और मुझे फिर जो है कि व्यूअरशिप बढ़े तो पैसा मिले। यही पर्टिकुलर वजह है कि मैं आपको कभी नहीं कहता कि आप मेरी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ये करें, वो करें, मैं बिल्कुल नहीं कहता, क्योंकि ज्ञान की पिपासा हर व्यक्ति नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि भाई आप ज्ञानी हो तो और भी आपके आसपास के ज्ञानी होंगे उनसे शेयर कर लो। जो ज्ञान जो है वो स्वतः प्रकाश की चीज है, खुद प्रकाशवान होती है। मैं आपको नहीं कहता कि भाई मेरी बात मानो, मैं कह रहा हूं तो करो। सच बात है, मानोगे या नहीं मानोगे, होना वही है जो सच है। बुद्ध ने कहा था सन मून एंड ट्रूथ कैन नॉट बी हिडन। तो इसकी वजह से मैं नहीं कहता मेरी बात मानो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि विद्या का फील्ड है, इस वजह से ये मैं नहीं कहता। लेकिन सोचने की बात यह है कि जो लोग इस चीज पे केंद्रित हैं, उनका कितना पर्पस ज्ञान देना है और कितना पर्पस नाम प्रसिद्धि धन कमाना है, इस बात को सोचा जाए, इस बात को समझा जाए। क्योंकि ये मैं किसी व्यक्ति विशेष, कोई व्यक्ति विशेष इस वीडियो को सुने ये मैं नहीं चाहता हूं। मैं लोगों में एक ज्ञान का लेवल बढ़ाना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि आप जिसको सुन सोच समझ रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी पहले तो देखें, फिर उसकी हरकतें भी तो देखें, कर क्या रहा है व्यक्ति, तब जाकर के कुछ सोचे। बाकी लोग कहते हैं कि कोई ज्योतिषी प्रिडिक्शन में 100% गारंटी दे सकता है क्या? आप जिस स्कूल में पढ़े थे, आपका टीचर आपको इस बात की गारंटी दे देता कि रोज क्लास में आओगे तो पास हो जाओगे, इस बात की गारंटी दे देता कि तू फिजिक्स पढ़ रहा है तो तू बहुत अच्छा फिजिसिस्ट बनेगा, दे सकता था? नहीं दे सकता था ना। क्या पिता ये गारंटी दे सकता है कि मेरा बेटा पुत्र पैदा हुआ है तो वो मानसिक शारीरिक हर प्रकार से पुरुष ही रहेगा, मानसिक थोड़ा स्त्रैण नहीं होगा? तो
कुछ फैक्टर्स को देखे बिना गारंटी कभी नहीं दी जा सकती। टीचर ये जरूर कह सकता है कि अगर बच्चा रोज क्लास में आए, मेरी बात ठीक से पढ़े, पढ़ने के बाद बराबर प्रैक्टिस भी करता रहे, तो जरूर फिजिक्स में बहुत अच्छा हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से जब ज्योतिषी सही टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लिमिट में रह करके फलादेश करता है, ओनी पोनी हवा में कोई बात नहीं करता, तो उसको 100% और गारंटी क्या उस प्रोडक्ट पे गारंटी दी जाती है जो मैंने बनाई हो, फलादेश भगवान ने किस्मत लिखा है, एश्योरेंस मैं वर्ड यूज करता हूं। अगर ठीक से ज्योतिष की गई हो, ज्योतिष को डीप समझने वाला असली ज्ञानी ज्योतिषी समय देकर के पत्रिका को देखे और फलादेश करे, तो 100% 100% भविष्यवाणी सच होती है, होती आई है, तभी यह विद्या अभी करना बताई थी 7-8 हजार सालों से चल रही है। तो यह समझना चाहिए। बाकी स्वामी विवेकानंद के ओपिनियन को भी उद्धृत किया गया है कि भाई स्वामी विवेकानंद ज्योतिष के बारे में ये कहते थे वो कहते थे। स्वामी विवेकानंद ज्योतिष ही थे क्या? स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के सन्यासी शिष्यों में से एक थे और उन्हीं सन्यासी शिष्यों में से एक थे स्वामी विज्ञानानंद, जिन्होंने ज्योतिष के बहुत मूर्धन्य ग्रंथ, सबसे महान ग्रंथ बृहज्जातक पे संस्कृत टीका भी लिखी है। तो किसी के ओपिनियन को तोड़ मरोड़ करके पेश करना उचित नहीं है। इवन स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी ज्योतिष के बारे में कुछ लिखा है, लेकिन गौरतलब बात यह है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी ज्योतिषी नहीं थे। तो ज्योतिष की बात करनी है तो उससे बात करें जो कि ज्योतिषी थे। स्वामी विवेकानंद ने कभी ज्योतिष पढ़ा हो, उसका शास्त्रीय विधि से अध्ययन किया हो, यह भी हमें उल्लेख से प्राप्त नहीं होता। तो ये बात हमें नहीं कहना चाहिए। और दूसरा, जिस स्वामी विज्ञानानंद की मैं बात कर रहा हूँ, वो आर्किटेक्चर में बहुत पढ़े लिखे थे। रामकृष्ण मिशन जितने भी उनके सामने बने, सबका आर्किटेक्चर उन्होंने ही बनाया। तो जो सच में साइंटिफिक चीजों में है वो तो ज्योतिष को मानते ही हैं, लेकिन जो सच में साइंटिफिक चीजों में नहीं है, क्योंकि सिर्फ साइंस की पढ़ाई पढ़ाई नहीं होती, ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई भी पढ़ाई होती है। और इवन ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई, ह्यूमैनिटीज को ह्यूमैनिटीज कहते हैं इसलिए क्योंकि ये वो विज्ञान है जो ह्यूमन लाइफ में डे टू डे में काम आता है। तो आप ओपिनियन देखें तो इस बात का ध्यान रखें कि ओपिनियन ज्योतिषी का ही हो, किसी और का ना हो। दूसरी बात यह है कि यहां पर ये कहा गया है जी कि जनरलाइज प्रेडिक्शन होती है, हर व्यक्ति सोचता है कि मैं कंपैशनेट हूं, हर व्यक्ति सोचता है कि मैं तो जी मर्सीफुल हूं, हर व्यक्ति सोचता है कि मेरे को चांसेस नहीं मिले। ये बात बहुत सही कही जा रही है, 80% ज्योतिषी यही करते हैं दुनिया में। मैं इस बात के लिए, खरी बात कहने के लिए इनफेमस हूं। आप मेरा कोई वीडियो देखेंगे, ये जनरली है, लोग ऐसा ही कंटेंट कंज्यूम करते भी है। ज्यादातर लोग उसी ज्योतिष चैनल को देखते हैं जहां पर ज्योतिष बहुत कम होती है, क्योंकि ज्योतिष को ठीक से सीख करके करने वाले बहुत लिमिटेड मात्रा में। तो ये जो चीजें हैं, दूसरे को ये बहुत ज्योतिष में चलता है जी मैं कौन सा कर्मा करने के लिए पैदा हुआ हूं, क्योंकि मैं तो बुद्धिमान आदमी, कुछ कर्मा तो करूंगा ही, मेरा तो अवतार ही हूं। व्यक्ति को ये कहना नहीं जी तुम तो बहुत अच्छे हो, ज्यादातर ज्योतिषियों की यही कहानी है। लेकिन मैं बहुत सीधा आदमी हूं, मैं सोचता हूं कि जिस विद्या को आप प्रैक्टिस करते हो सच्चाई रखनी चाहिए, इसलिए मैंने कभी कंबशन रेट्रोग्रेशन को शुभ नहीं कहा। कभी यह नहीं कहा कि भैया अगर आपका ग्रह अस्त है तो आप तो बड़े महापुरुष हो, बिल्कुल नहीं कहा है। ऐसा कहना भी नहीं चाहिए, मैं समझता हूं व्यक्ति को सच्चाई बतानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि तुम कंपैशनेट हो, तुम ये हो, तुम वो हो, साइकोलॉजी का विषय है। वेस्टर्न ज्योतिष में ये बहुत फॉलो होती है, वेस्टर्न ज्योतिष में प्रिडिक्टिव बहुत कम है। जो वेस्टर्न ज्योतिषी हैं, जिनको वैदिक ज्योतिष भी आता है, वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि साइकोलॉजिकल एनालिसिस, मेंटल एनालिसिस करने के लिए वेस्टर्न ज्योतिष बहुत अच्छा है, लेकिन वो एनालिसिस है, प्रिडिक्शन नहीं है, सजेशन नहीं है। जैसा मैंने बोला, वैदिक ज्योतिष सजेस्टिव है, प्रिडिक्टिव है। सजेस्टिव और प्रिडिक्टिव किसी भी डोमेन में ये नहीं आता, इसलिए जो अच्छे वैदिक ज्योतिषी हैं, खास करके अपनी बात मैं करता हूं, मैं जो हूं मैं ऐसा फलादेश करता नहीं, मेरी कोई भी वीडियो आपको ऐसा फलादेश करती हुई नहीं मिलेगी, किसी कंसल्टेशन में मैं ऐसा फलादेश नहीं करता, किसी कोर्स में मैं ऐसा फलादेश करना सिखाता नहीं, क्योंकि ये ज्योतिष का विषय ही नहीं है। लेकिन आजकल के कुछ अनपढ़ गवार ज्योतिषियों ने इसी को बना लिया है मुख्य विषय, क्योंकि लोग यही देखना चाहते हैं, यही सुनना चाहते हैं, मेंटल किक देता है। बाकी ये जितने भी विचार हैं कि लोगों के बारे में पता कर लेना, रिक्शे वाले ने पूछ लिया जी कि तुम क्या काम करते हो, फिर ज्योतिषी ने एग्जैक्टली बता दिया तुम यही काम करते हो, इत्यादि इत्यादि में कुछ ज्योतिषी नहीं, ठग
जो है उस प्रैक्टिस को करते हैं। आज के मॉडर्न समय में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जनरली जो लोग हमारे पास पत्रिका दिखाने के लिए आते हैं उनको हम बिल्कुल नहीं जानते होते, वो हमारे कोई फेसबुक फ्रेंड या कहीं के कुछ नहीं होते, फिर भी हम उनका फलादेश करते हैं और वो फलादेश पूरा का पूरा सत्य जाता है। पता नहीं कौन से जमाने की बात की जा रही है यहाँ पर। पुराने जमाने की किसी प्रैक्टिस को किसी एक व्यक्ति विशेष के अनुभव को किसी एक व्यक्ति विशेष ने कह दिया कि जी मैं तो, मुझसे रिक्शे वाले ने पूछ लिया कि आप नागपुर के बहुत बड़े प्रोफेसर थे क्या, और वहां ने कह दिया कि नागपुर के जो प्रोफेसर है वो खड़े हों। एक आदमी बोल रहा है, कोई इसकी वीडियो नहीं है, कोई क्लिप नहीं है, लेकिन आपने उसकी बात को सर्वसर्वा मान लिया। बाकी यहाँ पर 50 लोग कह रहे हैं ज्योतिष काम करती है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जेपी मॉर्गन ने कह दिया ज्योतिष काम करती है, उससे आपको मतलब नहीं है। पढ़िए अल्बर्ट आइंस्टाइन को, जेपी मॉर्गन को पढ़िए, देखिए उन्होंने क्या कहा, जॉन डी रॉकफेलर ने कहा हुआ है। तो ये तो आपके लिए अनपढ़ गवार लोग हैं। यूट्यूब चैनल पे जो एक आदमी बैठा हुआ है जो कह रहा है किसी बाबा ने ऐसा कह दिया, वो बहुत ऑथेंटिक सोर्स है जी। बाकी अल्बर्ट आइंस्टाइन का ऑथेंटिक सोर्स थोड़ी है, अनऑथेंटिक सोर्स। तो खैर ये सब जो बातें हैं ये किसी बाबा आदम काल के जमाने के एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस की बातें हो रही हैं, करंट समय में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, और बाकी भारतीय समाज में और भारतीय ज्योतिष में एक ऐसा सोसाइटी है, एक ऐसी कम्युनिटी है अब, क्योंकि लोगों को मेटीरियल ज्ञान ज्यादा हो चुका है, और ज्ञान भी नहीं मैं बोलूं, इन्फॉर्मेशन हो चुकी है, ज्ञान नहीं हुआ है। तो आजकल ऐसे लोग हैं जो इन्फॉर्मेशन बहुत कंज्यूम करते हैं, चीज पे सोचते नहीं है, बहुत कंजम्पशन ऑफ इन्फॉर्मेशन है, और समहाउ यहां पर लोग चीजों को एक नए प्रकार से प्रस्तुत करना चाहते हैं। अब उसमें भारतीय समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके साइंटिफिक रीजन को ढूंढना तो बहुत मुसीबत का काम है, उसको अनसाइंटिफिक प्रूव करना बहुत आसान काम है। और लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेते हैं, विजडम नहीं लेते, या विजडम का उस पर अप्लाई नहीं करते, क्योंकि करने के लिए बहुत चीजें हैं। इस वजह से अंधश्रद्धा निर्मूलन, पर्दाफाश, ऐसी चीजें समाज में हर समय पर बहुत तूल पकड़ती रही हैं, आज भी तूल पकड़ रही हैं, भविष्य में भी तूल पकड़ेंगी। आज मैं खंडन कर रहा हूं, कल को कोई और खंडन करेगा, लेकिन खंडन करेगा तभी इस दुनिया में बैलेंस है, वरना इनके जैसे कालनेमी महिषासुर अंधकासुर नाश कर देंगे दुनिया का। तो ये करना जरूरी है, इसलिए मैं तो हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी लोग ज्ञानी हैं उनको इन चीजों का खंडन करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जिनके भीतर ये मानसिक क्षमता नहीं है कि असल में समझ पाए, वो क्या करेंगे, बुरा भला कहेंगे। एक हिंदी में कहावत, अंगूर खट्टे हैं, अंगूर तक नहीं पहुंच पाता तो कहता अंगूर खट्टे, इसलिए मैं पहुंचा नहीं। तो ये जो अंधश्रद्धा निर्मूलन और पाखंड ज्ञान के दम पे ये सब जो चीजें हैं, ये सब अंगूर खट्टे हैं वाली कथा है। मैं एक बहुत सीधी बात कहता हूँ, ये बहुत बंगाल में बहुत चला बीच में, कि लोग ज्योतिषी को चैलेंज कर देते हैं कि अगर सही भविष्यवाणी कर देगा तो मैं तेरे को 2 लाख रुपया 5 लाख रुपया दूंगा। एक तो 2 लाख रुपये 5 लाख रुपये के लिए कोई ज्योतिष नहीं मर रहा है, कोई 2 लाख 5 लाख रुपये के लिए नहीं करेगा, पहली बात, अच्छा जो ज्योतिषी है। दूसरी बात, आज मैं एक डंके की चोट पे बात कहता हूं, आप मुझे एक व्यक्ति का हॉरोस्कोप ला करके देना जिसका बर्थ डेट बर्थ टाइम एक्यूरेट है, ये बात उसके माँ बाप दस्तखत करके दें, एरिया का मजिस्ट्रेट दस्तखत करके दे, जिस डॉक्टर ने डिलीवरी कराई वो दस्तखत करके दे। व्यक्ति मरा हुआ होना चाहिए, उसके जीवन में और कोई इवेंट नहीं होने चाहिए, और कोई ऐसा व्यक्ति जिसको सब पता हो इस व्यक्ति ने क्या किया A to Z। अगर हम कहें कि ये व्यक्ति डिसलॉयल है, तो कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई ऐसा दोस्त हो जिसके उसके मन की सारी बातें पता हो, किसने मुझसे इस समय में बोला कि यार कभी कभी मैं सोचता हूँ पत्नी को छोड़ दूं, इसने मुझे इस समय में हल्के एक दिन दारू पी करके कहा था कि यार ये मुझे ज्यादा पसंद है, जिसको सारी डिटेल है पता हो, लाइफ की A to Z डिटेल पता हो, वो डिटेल किसी पेपर पे लिख दी जाए, वो पेपर किसी बक्से में बंद कर दिया जाए जो बक्सा कोई ना पढ़ सके, बर्थ टाइम 100% ऑथेंटिक एक्यूरेट हो। किसी भी ज्ञानी ज्योतिषी को आप पत्रिका दे दें, व्यक्ति मरा हुआ होना चाहिए, पत्रिका दे दें, उससे फलादेश करवा लें और खुद देख लें कि भविष्यवाणी कितनी सत्य निकलती है। लेकिन पता है बात क्या है, कि मैं चैलेंज करता हूं कोई ज्योतिष फलादेश करके दिखा दे, ये बहुत आसान काम है, लेकिन कोई ऐसा मरा हुआ व्यक्ति लाना जिसके जीवन की हर बात पता हो, जिसका बर्थ टाइम 100% एक्यूरेट हो, ये संभव नहीं है। इसलिए ऐसे गाल बजाने वाले जो लोग होते हैं, इनको, इनकी बात को तूल इसलिए नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ये अनाधिकारी है, और हिंदू शास्त्र सीधा कहता है कि बहस, वाद विवाद और ओपिनियन अधिकारी का ही लेना चाहिए, अधिकारी का ही सुनना चाहिए, तभी
हो सकता है सत्य अनुसंधान, तभी निकल सकती है सच्चाई। किसी भी ऐरे गहरे की बात सुनने से आदमी किसी नतीजे पर अगर आज तक पहुंचता होता तो पहुंच चुका होता।